बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यूपी में, बिहार में, झारखंड में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हमारे मथुरा में तो एक महीना होली चलता है, 1 month होली चलता है, 1 month, तो मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है, तो जानकारी तो होना चाहिए। हाँ, 2 दिन, करेक्ट। तो क्या बोलते हैं, कल होली का दहन है, परसों होली है। चलो, आज मेरे छोटा भाई है तो उसका 12th का पेपर है, तो फ़ोन किया तो हो गया है पेपर देने आज। आज शायद CBSE बोर्ड का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिजिक्स नहीं, हाँ मैथ का पेपर होगा या फिर फिजिक्स का पेपर होगा, कहीं पे आज है कहीं पे कल। ओके ठीक है, चलो कोई ना, सब में हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। कल जब हम लोग ने मॉक लिया था गाइस, मॉक में कोई भी सही से अपना इंट्रोडक्शंस नहीं दे पा रहे थे, तो आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे आपको बताना चाहिए व्हाट्स योर गोल, कैसे आपको बताना चाहिए व्हाई शुड आई हायर यू, कैसे आपको बताना चाहिए व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी। ठीक है, मतलब आपको एंसर्स कैसे करने हैं वो मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, जिससे कि नेक्स्ट मॉक में सभी लोग अच्छा परफॉर्म करिएगा। सबको पता है कल का जो मॉक था, मतलब जो भी सैटरडे का मॉक था, फ्राइडे का, उतना बेहतरीन नहीं था और अप टू द मार्क भी नहीं था। तो आज से आपको स्टेप्स दे दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है, लगे तो उन स्क्रिप्ट को रट जाओ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बिलीव करो मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मेरा एक दोस्त था, तो HR का काम करता था, उसने मुझे लगभग 21 या 22 क्वेश्चंस लिख के दिए थे। ठीक है, तब उतना PDF वीडियो का टाइम नहीं था, तो लिख के दिया था, मैंने क्वेश्चंस को रट डाला था। ठीक है, और मैं जहाँ पे जाता वही छपका देता, तो लोगों को लगता मेरी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, पर बिल्कुल ठीक ठाक नहीं थी, एकदम गधों वाली कम्युनिकेशन थी मेरी। मैं तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जब उसने बताया नहीं था तब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता था, इतना बुरा हाल था। आप लोग काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए अपना, उसके बाद देखता हूँ आपका टास्क कैसा आपने बनाया हुआ है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है इसलिए स्लो ही बोलूंगा। ठीक है, ये एक्चुअली में ये BIM के इंटरव्यू के पूरी सेट है, ये क्वेश्चन बैंक है ये, कि BIM के इंटरव्यू क्या पूछते हैं। पर उसका जो पार्ट 1 है, मतलब पेज नंबर 1 है, ये HR के क्वेश्चंस हैं, जो कि दोनों के लिए सेम होते हैं, बस यहाँ पर कंटेंट आपको बदलना पड़ेगा, टॉपिक सेम रहेगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि पवन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो पवन को क्या बताना है, पवन को बताना है, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज। क्या, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज, माई नेम इज, ठीक है, इंजीनियर पवन, आगे जो भी आपका नेम है, इंजीनियर पवन, आई एम बेसिकली फ्रॉम, ठीक है, अपना स्टेट बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, बट करंटली लिव्स इन, जिस मेट्रो सिटी में, जिस बड़े शहर में रह रहे हो वहाँ का एड्रेस बताओ, तो शॉर्ट लिस्टिंग का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप पुणे के आसपास के शहरों से हो, तो आप बता दो कि हम पुणे के, मतलब कि करंटली लिविंग इन पुणे, ठीक है, आप नोएडा के आसपास के शहरों से हो, करंटली लिविंग इन नोएडा, इसका इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है, इससे ये पता चलता है कि चलो ठीक है, इस बंदा पहले से लोकेटेड है, इसको हायर करने में आसानी रहेगी। तो करंटली लिव्स इन, उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, ठीक है, क्या, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर इन बी सिविल इंजीनियरिंग, या फिर BTech सिविल इंजीनियरिंग, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन सिविल इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो भी आपने किया है, फ्रॉम XYZ कॉलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th 10th, और इट मे बी आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, ओके, कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब आपको यहाँ पर चेंज क्या करना है, जिस टॉपिक का नाम बताना है मुझे, करंटली आई एम परसुइंग स्ट्रक्चर्स इंटर्नशिप प्रोफेशनल कोर्स फ्रॉम यूनिक सिविल अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर आकाश पांडे, या फिर करंटली आई एम परसुइंग स्ट्रक्चर्स इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर आकाश पांडे, बस इतना ही चेंज करना है आपको। इसके बाद नीचे आपको बोलना है दिस कोर्स इंक्लूड, अब आपको अपने कोर्स, BIM के नहीं, अपने कोर्स, दिस कोर्स इंक्लूड ऑटोकैड 2D 3D स्टैट प्रो RCDC ई टैब्स सेफ मैनुअल डिजाइनिंग्स एक्सेल डिजाइनिंग्स रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स एंड कंप्लीट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ये आपको यहां पर बोलना है। उसके बाद इन दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट विच इंक्लूड, ठीक है, अब आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कैसे करोगे, आप कई ढेर सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आप कर चुके हो ना, तो आप बता सकते हो कि मोर देन 10 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग करने वाले हैं ऑलरेडी,
एंड मेनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू ETFs एंड स्टैड. आप यहाँ पर वो अपना लाइन ऐड कर दो. उसके बाद इन ऑटोकैड आई हैव मेड आर्किटेक्चर शीट्स, स्ट्रक्चरल प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शन एलिवेशंस, लोकेशन शेड्यूलिंग्स एक्सेट्रा. आप ये बता दो, ऑटोकैड का हो गया काम. अब आप नेक्स्ट लाइन आप यूज नहीं कर सकते हैं. आपको नेक्स्ट लाइन यूज करना है स्टैट प्रो के लिए. तो इन स्टैट प्रो आई हैव डन मेनी आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर्स एनालिसिस एंड डिजाइंस. ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड मेनी रिपोर्ट प्रोजेक्ट या फिर मेनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. यहाँ पर अपना ऐड कर देना है. उसके बाद अगर आपको सामने वाला इतना इतना सुनते सुनते अगर वो थक गया तब तो स्टॉप कर दो यहीं पे. ठीक है, क्या बोलो, दैट्स इट अबाउट माई सेल्फ. लेकिन आप देख रहे हो कि सामने वाले के चेहरे पर अभी बिल्कुल भी उबर नहीं हो रही है, वो इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो उसको एज कम्पेयर टू अदर्स. तो आपको थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है. जैसे कि माई फादर इज एक्स वाई जेड, माई मदर इज एक्स वाई जेड एंड आई लिव्स इन एक्स वाई जेड प्लेस. ओके, अभी भी देख रहे हो कि सामने वाला अच्छा लग, उसको महसूस हो रहा है. ये फेस के एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है दोस्त. ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन को देखो, सपोज आप मॉक में बोल रहे हो, ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि सर इतना ही जानना चाह रहे हैं, वहीं स्टॉप कर दो. ये चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो ये अगर पढ़ना आ गया तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा. माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू नो न्यू लर्न थिंग्स एंड डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑल्सो इन ग्रुप्स. ठीक है, माई हॉबीज आर, ठीक है, आपकी हॉबीज हो सकती हैं प्लेइंग फुटबॉल, चेस, कैरम, जो भी आपके हॉबीज है, रीडिंग बुक्स वगैरह वगैरह. माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव गुड पोजिशंस वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू. ये आपको तब बोलना है जब आपको लग रहा है कि अभी भी सामने वाला इंटरेस्टेड है. तो नहीं इंटरेस्टेड है तो इसको अभी रहने दो, जब वो पूछेगा व्हाट्स योर गोल तब इसको दे देंगे. ठीक है, पर इंटरेस्टेड लग रहा है तो बता दो. दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू. ऐसा होता है इंट्रोडक्शन जिसमें मुझे काफ़ी कुछ पता चला पवन के बारे में, आदर्श के बारे में, ठीक है, और गोविंद के बारे में. जब इतना बताते हो तब पता चलता है. देखो अभी तुमको एक बिजनेसमैन या फिर जो भी क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर होता है उसकी मानसिकता बताता हूँ तो ज़्यादा समझोगे. अगर हमें एक पर्सन को हायर करना होता है, कल ही हमने एक HR को रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यू लिया था, तो यार अभी हमको ना क्विक डिसीजन लेना है. क्विक डिसीजन क्या लेना है, उसकी करेंट सैलरी 27,000 रुपये है. ठीक है, इंट्रोडक्शन लिया, अच्छा लगा, कम्युनिकेशन अच्छा था. अब मुझे करेंट, सोचो कि एक इंटरप्रेन्योर मतलब वो भी डरता है, मैं डर क्यों रहा हूँ, 27,000 उसकी करेंट सैलरी है. अब मैं उसको ऑफर क्या करूँ, ठीक है, 30 के नीचे वो सुनने वाली नहीं होगी. ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, हर कोई इंक्रीमेंट चाहता है. तो एक तो मेरे सोचो कि इंटरव्यू उसका है, टेंशन मुझे हो रही है. तो पहला माइंडसेट ये रखो, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आपसे ज़्यादा इंटरव्यूअर को भी टेंशन रहती है. तो एक तो ये हो गया. दूसरी चीज़ क्या हो गया, उसको मुझे अभी के अभी जज करना है सी इज राइट और नॉट फॉर मी. अब ये इतना जल्दी कैसे करें. तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ में देते हो तो हमें आपके बारे में ज़्यादा पता चलता है. ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि अभी जितने भी लोग हम लोग यहाँ ग्रुप में हैं, चाहे राजस हो, चाहे पृथ्वीराज हो, चाहे अक्षर हो, आपने जितना मेरे बारे में पहले जाना था लाइव क्लास के बाद उससे ज़्यादा जाना होगा, ये स्वाभाविक सी बात है. राइट, तो ऐसे ही हमें भी लगता है कि सामने वाला अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताए सो दैट आई कैन टेक द डिसीजंस कि मुझे इसको हायर करना है कि नहीं करना है. ठीक है, तो मुझे बड़ा लाइक उस समय सोचने में आया कि यार इसको मैं क्या सैलरी ऑफर करूँ. फिर मैंने उसको बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर वर्क फर्स्ट, ठीक है, आफ्टर दैट आई विल डिसाइड व्हाट्स योर सैलरीज, क्योंकि अभी मैं 30 के बजट में नहीं हूँ. स्वाभाविक सी बात है, मैं मैक्सिमम मेरा जो इम्प्लॉई है 25 है मैक्सिमम. ठीक है, वैसे तो हम 15-20 ही रखते हैं क्योंकि हमारा बजट उतना है. स्वाभाविक सी बात है. तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जब मैं बताऊं अपने बारे में इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर दूं कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार ये चीज़ मतलब इस पर्सन को मुझे रखना चाहिए. अभी मैं रिसेंटली गया था कुछ कपड़े लेने के लिए, घर में शादी पड़ी थी सबको पता है. तो क्या बोलते हैं, कपड़े के जब शॉप पर गया तो एक बंदा था, मतलब कई दुकानों पर हम लोगों ने देखा, तो एक ऐसे नॉर्मल दिखा दिया, एक ने दिखाया, उसके बाद उसके बहुत ढेर सारे एडवांटेज गिनाए.
हमें ट्रस्ट हो गया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है क्योंकि उसने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो अपने बारे में कभी भी 1 मिनट मत एक्सप्लेन करो, कम से कम इतना याद रखो कि आपकी लाइफ इतनी बड़ी है तो 5 मिनट तो हमारा इंट्रोडक्शन बनता है। तो इस तरीके से आपको आज से हमेशा के लिए इंट्रोडक्शन देना है, जो पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, इसको रट लो या फिर लिख लो अपने वर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने वर्ड्स को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज। माई नेम इज आई एम बेसिकली फ्रॉम एंड करंटली लिव्स इन हियर। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशंस इन सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा या फिर डिग्री। करंटली आई एम परसुइंग बी आई सॉरी आई एम करंटली आई एम परसुइंग स्ट्रक्चरल इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर आकाश पांडे। दिस कोर्स इंक्लूड ऑटोकैड 2D, 3D, स्टेट प्रो, RCDC, ETAP, सेफ, मैनुअल डिजाइनिंग, एक्सेल डिजाइनिंग्स, रैपिड आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन मत मेंशन करना। रीजन ये रहता है कि हम स्ट्रक्चर्स के लिए फोकस हैं, वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ जिससे कि आप कभी अपना बिजनेस करना चाहो तो आपको आराम रहे। तो आप बस इतना बोलो ऑटोकैड, स्टेट प्रो, ETAPs, RCDC, सेफ, मैनुअल डिजाइनिंग, एक्सेल डिजाइनिंग। सामने वाले को जितना काम की ज़रूरत है उतना ही आप बताओगे तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, एक बार मैं एक इंटरव्यू ले रहा था आज से लगभग 2-3 साल पहले, तो एक लड़का आया मेरे पास इंटरव्यू के लिए, उसको 13 सॉफ्टवेयर के नॉलेज थे। ठीक है, 4 साल हो गया तो 13 सॉफ्टवेयर के नॉलेज थे। तो पहले तो बिलीव करो, मैं सोचा यार मैं इससे पूछूँ क्या, इसको तो 13 सॉफ्टवेयर आ रहे, मुझे तो 5-6 सॉफ्टवेयर ही आते थे ठीक है अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डाउट ये हुआ कि 13 सॉफ्टवेयर को पूरा दिमाग में रखना इतना भी आसान नहीं है, तो बहुत प्रैक्टिस इसका होगा तभी रखेगा। मैंने उसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ स्केचअप। वो चुप हो गया, मैं समझ गया इसको आता नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान रखी है, बस लिख रखा है। तो आपको वही चीज़ें लिखानी है जिसपे आपको अच्छा नॉलेज है। आपको लगता है मुझे ETAP नहीं आता, मत लिखो ना, मुझे सेफ नहीं आता, मत लिखो ना, जितना आता है उतना आप लिखो अपने वर्ड में। ठीक है, तो दिस कोर्स इंक्लूड ऑटोकैड, पे जो आपको जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं अच्छे से उनको लिख दो। उसके बाद इन दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स विच इज इंक्लूडेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, और उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट, इस तरीके से गिना दो ढेर सारे। आई हैव ऑटोकैड में आपने क्या क्या पढ़ा बता दो, स्टैट में क्या पढ़ोगे वो ऐड कर देना, और उसके बाद आगे जो जो पढ़ाऊंगा करके, फिर अपने फादर मदर के बारे में अगर सामने वाला फैमिली के बारे में जानना चाह रहा है तो उसके बाद तो इसमें बोल सकते हो कि इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली तो ये बता दो। और उसके बाद स्ट्रेंथ, अगर पूछा है कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, मैं पूछता हूँ ना आपसे कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ होता है क्या, हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू नो न्यू थिंग्स, ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसके बाद माई हॉबीज आर, ठीक है, हॉबीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज। फिर माई अगर मैंने पूछ लिया कि व्हाट्स योर गोल तो ये बता दो, नहीं पूछा तो भी आप बता दो क्योंकि आप पढ़ के आए हो, रट के आए हो तो बताना चाहिए। दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। अब मुझे अच्छा लगेगा एज ए इंटरप्रेन्योर कि आपने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया। कई लोग सोचते हैं सर हमसे ये क्यों पूछा जाता है कि व्हाट्स योर हॉबीज, हॉबीज का क्या लेना देना है काम से। हमसे ये क्यों पूछा जाता है कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, ठीक है, हमसे ये क्यों पूछा जाता है आपको कौन सी बुक पसंद है, ठीक है, इसका रीजन बताओ इसका रीजन बताओ आप कि हमसे ये क्यों पूछा जाता है कि व्हाट्स योर हॉबी, हमसे ये क्यों पूछा जाता है कि लाइक विच टाइप विच मूवीज यू लाइक मोस्ट, हमसे ये क्यों पूछा जाता है विच बुक यू लाइक मोस्ट, ये क्यों पूछा जाता है, आपको क्या लगता है। सभी लोग अपना व्यू जरूर दिखो, मुझे चाहिए कि आपका व्यू क्या है इसके लिए। ठीक है, ऐसी चीजें क्यों पूछी जाती हैं। ठीक है, माय स्ट्रेंथ क्यों तो पूछा जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि तुम कैसे हो। ठीक है, और ठीक है, राजेश बोल रहे हैं कि हाउ ट्रू एंड अवेयर यू आर, ओके। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑथेंटिसिटी मे बी, ओके, थोड़ा थोड़ा सही है। ठीक है, और सभी लोग मैंने आंसर करो, आपको क्या लगता है कि आपसे हॉबीज क्यों पूछा जाता है, आपसे मूवीज के बारे में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये सब तो आपके रोल में आ ही नहीं रहा है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है। करेक्ट, लगभग लगभग काफी अच्छा आलम ने आंसर दिया है, वेरी गुड, इंटरेस्ट एंड सीरियसनेस अबाउट योर इंटरेस्ट, ग्रेट। ठीक है, करियर गोल्स में क्या बताना है आपको, तो आपको करियर गोल बताना है टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस माई स्किल एंड नॉलेज
along with contributing the growth of the organizers. Okay, to work in an organizers which provide me ample opportunities to enhance my skill, kitna acha answer hai career goal ke bare mein, and knowledge along with contributing the growth of the organizers. Hamesha yaad rakho, company ko hamesha पसंद होता है ऐसा एम्प्लॉय जो लर्निंग पे बिलीव रखता है. रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है, बहुत ढेर सारे से प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कंपनीज के अंदर जिसके लिए कुछ नया सीखना पड़ता है. मजे की बात ये है कि जो लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड रहता है वो तो फटाफट सीख लेता है. तो कंपनी को चाहिए होता है कि यार कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, मान लो ETF पर, आपको ETF नहीं आता है तो आप नाम मत बोलो, आप ETF सीख लो दो दिन चार दिन में, क्योंकि आपने स्टैंड प्रो तो सीखा ही है, सीख के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर डालो. उसके लिए मुझे नया एम्प्लॉय ना हायर करना पड़े. ठीक है, अभी मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है प्लानविन करके, प्लगइन है, ठीक है, डिटेल ड्राइंग निकालता है. अब प्लानविन ने खरीद के आया 100 कंपनी ने कि चलो खरीद लेते हैं. अब आप लोगों ने बोल दिया कि हमें नहीं आता प्लानविन, आप इसके लिए नया एम्प्लॉय हायर करिए, तो कंपनी का बजट खर्च हो गया ना. ठीक है, इसके जगह पे कंपनी आपको बोल देती कि आप ही सीख लो, तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है आप सीख लोगे, तो बेनिफिट आपका हुआ कि आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ, दूसरे बेनिफिट क्या हो, कंपनी का पैसा बचा, नया एम्प्लॉय नहीं हायर करना पड़ा. ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऐसा आपको अपने फेस पे एक्सप्रेशन रखना है कि आप इंटरेस्टेड हो नई चीजों को सीखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल. ठीक है, कभी कभी लोग कंपनी वाले पूछते हैं, देखते हैं हमारी कंपनी का क्या कितना फेम है. ठीक है, तो उसके लिए पूछ लेते हैं कि कहां से आपने सुना. तो आई सॉ दिस ओपनिंग्स ऑन इंडीड, या फिर आप लोग क्या बोलते हैं बता सकते हो, जॉब्स गाइड यूट्यूब चैनल. And I feel that my skill set are suit to these positions. So after that, I applied on your company website. कितना अच्छा आंसर है, प्रोफेशनल आंसर. ठीक है, ठीक है, चलो बस सबने अपना आंसर दिया. तो मैं आपको उसका राइट आंसर बता देता हूँ कि हॉबीज का लिए और क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें क्यों पूछती हैं कंपनीज. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके व्यक्तित्व को पहचानना. ठीक है, विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, ये डिपेंड करता है आपकी हॉबी पर, आपके इंटरेस्ट पे. ठीक है, इसलिए आपके बारे में जाना जाता है कि आप किस तरह की मूवी वॉच करते हो, तो आपसे पता चला ना कि आप कैसे मूवीज पसंद करते हो. आप किस तरह के इंटरेस्ट रखते हो उसे पता चलता है, आपको किस तरह की चीजें पसंद है. उसके बाद दूसरा, एक आलम ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, क्या इंटरेस्ट एंड सीरियसनेस अबाउट योर इंटरेस्ट. आपको जो चीजें पसंद है वो कितना पसंद है. कल को आपको कंपनी के अंदर काम करना पसंद आता है, कितना पसंद है. ठीक है, हमारे कंपनी में एक एम्प्लॉय थे, ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा ही कंपनी पसंद थी. ठीक है, तो इतने ज़्यादा कंपनी को लेके फोकस रहते थे, इतने हम लोग नहीं रहते थे, होना चाहिए. वो एक दिन, वो संडे दिन वो आ गए ऑफिस, ठीक है, और ऑफिस में लॉक लगा हुआ था. ठीक है, दूसरे दिन सबने उनका मजाक उड़ाया. गार्ड ने बता दिया कि वो सर अमित सर नाम था उनका, तो अमित सर आए थे और क्या बोलते हैं संडे के दिन बैग लेके प्रॉपर रेडी होके आए थे अच्छे से काम करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस थे. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर जानना हो, जिसने जाना होगा एचआर के इंटरव्यू के टाइम पे, उसने पहचान लिया होगा दिस पर्सन इज वेरी फोकस फॉर देयर वर्क. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. ये हो गया, व्हाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन पूछती है कंपनी, क्या व्हाई डू वी हायर यू. तब क्या बताओगे, Why do we hire you? तो इसके सबसे राइट आंसर है, I need to learn new thing quickly and I assure that I will give my best to the company. देखो मैंने लर्निंग को फिर से फोकस कराया ना, क्या I need to learn new things quickly. हमें ऐसे ही लोग चाहिए कि हमको अगर कोई हमारा वीडियो एडिटर है वो कैमटेसिया पर एडिट कर रहा है, वो तुरंत ही रेडी हो जाए कि चलो Adobe Premiere Pro पे करेंगे, अब उसके लिए हम दूसरा एम्प्लॉय नहीं हायर करेंगे. तो आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई श्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट टू द कंपनी. ठीक है, आई विल नॉट ओनली द वर्क इन कंपनी बट ऑल्सो गिव बेटर रिजल्ट. ठीक है, आई विल नॉट ओनली वर्क इन कंपनी, मैं केवल काम नहीं करूंगा बट ऑल्सो गिव बेटर रिजल्ट. तो इससे हमें भरोसा मिलता है कि सामने वाले एम्प्लॉय अच्छा करेगा. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने राजेश ने, कि खुद की स्तुति या फिर बढ़ाई करना राइट होता है क्या इंटरव्यू में. हाँ होता है, करना चाहिए बट एक लिमिटेड तक, फेंकना नहीं चाहिए. बढ़ाई क्यों करना पड़ता है खुद का, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि राजस कैसे एम्प्लॉई है,
अब मुझे तो 5 मिनट के लिए तुम मिले हो, ठीक है, तो तुम्हें खुद के बारे में वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुमको जानने के लिए तो मुझे कम से कम 1 हफ्ते तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, तब जानूंगा ना। इसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। धोनी पर मूवी बनी तो पहले सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, उनके साथ रहना स्टार्ट किया, तब उसने मेथड एक्टिंग सीखा कि कैसे वो सर्वाइव करते हैं। पर मुझे तुम्हारे बारे में जानना है 5 मिनट में, तो तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बारे में बड़ाई करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। फेंकना एक गलत वर्ड होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहिए कि हाँ इतना ऐसा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आदर्श ने पूछा हुआ है, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग में क्या बोले, बहुत अच्छा, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस में क्या बोले, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स को मैं माइंड में रखकर आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो पहला आंसर आपका होना चाहिए एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। पर मैक्सिमम कंपनीज जो होती है वो कंपनीज फोर्स करती है कि नहीं नहीं टेल मी नंबर्स, ठीक है। तो फ्रेशर्स को माइंड में रख रहा हूँ, याद रखना। फ्रेशर लोग क्या देखेंगे, जब आप कंपनी के अंदर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है कि उसको आप कंपनी अगर बड़ी होगी तो अपनी एक वो है क्या बोलते हैं वेबसाइट है जिसपे आप जा सकते हो, glassdoor.com पे जाके चेक कर सकते हो कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है, उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, glassdoor.com पे सब पता चल जाता है। फिर भी नहीं भी गए तो आप कंपनी के अंदर एंट्री किए, आपको लग रहा है यार ये कंपनी तो एमएनसी है, क्या है, एमएनसी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप सिंपल आंसर करिए, ठीक है, लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय 4 मंथ इंटर्नशिप इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आई डन मेनी प्रोजेक्ट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर आकाश पांडे सर, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विथ माई स्किल्स, सो माई एक्सपेक्टेशंस इज 25,000 प्लस। फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 25,000 प्लस, या फिर ऐसा बता सकते हो 25 to 30,000, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए आंसर नहीं कर रहा हूँ, ये अभी करंट में सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। अगर आप कंपनी के अंदर एंट्री किए, आपको लग रहा है कंपनी इतनी भी बड़ी नहीं है और कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है, तो फिर आपको बताना चाहिए माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज 20 to 25,000 एज ए फ्रेशर, 20 to 25,000। और उसके बाद अगर कंपनी में आप एंट्री किए और कंपनी ही एक रूम की दो रूम की है, तो आप समझ जाओ कि इसका बजट कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो वहां पर आपको बताना चाहिए माय सैलरी एक्सपेक्टेशन इज 15 to 20,000। हमेशा रेंज में दो, रेंज में देने का बेनिफिट क्या होता है, रेंज में देने का बेनिफिट ये होता है, मान लो मेरा बजट 16,000 का है, तुमने 18 मांग रखा है, ठीक है, तो मुझे मना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने 15 से 20 बता रखा है, मैं फ्लेक्सिबल हो गया कि यार ये तो 15 के लिए भी रेडी हो रहा है, चलो इसको 16 पे डन कर देते हैं, ये भी खुश रहेगा, हम भी खुश है, ठीक है। तो जब सबसे छोटी लेवल की कंपनी है तो वहां पर बोलो माय सेलिंग एक्सपेक्टेशन इज 15 to 20,000। अगर आपका क्या बोलते हैं मिड लेवल की कंपनी आपको दिख रही है, नया ठीक ठाक है, ठीक है, तो वहां पर 20 to 25,000। और अगर एमएनसीज आपको देखती है तो बहुत बड़ी एमएनसी दिखती है, तो सिंपल बोलो 25,000 प्लस, ठीक है। मेरे साथ एक बार गलती हुई थी, मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और मेरी तब सैलरी 18,000 रुपये थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार 18 से मैं कितना जा सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, तो मैंने ऐसे खुद से बोल दिया 25,000, ठीक है। और बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंपनी का उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए था, मेरी सीवीज पता नहीं किसे शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, तो उनका जो बजट था वो 35,000 का था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने खुद ही 25,000 मांग लिया। तो फिर जब मैं कंपनी के अंदर आया तो वहाँ के कुछ इम्प्लॉइज थे, जब दोस्ती हुई थोड़ी सी, तो उन्होंने बोला यार तुमने गलती कर दिया था, तो हमने क्या बोला, मैंने बोला कि क्यों, तो उसने बताया, कहा कि तुम जिस प्रोफाइल पर हो इस प्रोफाइल पर मिनिमम सैलरी 35,000 थी, तुमने हाँ कर दिया, तुमने 25,000 मांग के ही गलती कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि यार मुझे तो पता नहीं था, फिर बाद में बढ़ा सैलरी, पर यही नियम होता है 25,000 प्लस। अब हो सकता है 26 दें कि 28 दें कि 35 दें, क्या फर्क पड़ता है अपने को, है ना। चलो ये हो गया हाउ टू कैटेगराइज द कंपनीज, ठीक है। कंपनीज को कैटेगराइज करने का मेन तरीका ये होता है, अगर कोई स्मॉल स्केल की कंपनी है तो अपने वेबसाइट में भी ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, एक नॉर्मल सा वेबसाइट बनाती है, ठीक है, और उसका लोकेशन मैक्सिमम चांस रहता है कि और एक जगह ऑफिस होता है, ठीक है, एक जगह छोटी सी ऑफिस है और क्या बोलते हैं वो एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, कंसल्टेंसी खोले हुए हैं, तो स्मॉल स्केल है। जिसका ब्रांच 5-6 जगहों पे है, इंडिया के अंदर ही है, वो मिड लेवल की कंपनी है, ठीक है, वेबसाइट पर दिख ही जाता है कहाँ कहाँ उनकी कंपनी है, तो मिड लेवल की कंपनी है। और जिनका ब्रांच US में है, UK में है और इंडिया में है, दुबई में है, वेबसाइट पर लिखा हुआ उन्होंने, स्वाभाविक सी बात है इसका मतलब वो MNC मल्टीनेशनल कंपनी है,
किस तरीके से वो लार्ज स्केल में चली गई है। समझ आया जाए? ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट आंसर। और क्या बोलते हैं, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस वालों का। ठीक है, एक्सपीरियंस वालों को देखो, आपका कुल मिला के इंटरव्यू का मतलब समझो, इंटर व्हाट अबाउट टर्नओवर, टर्नओवर तुमको एक्चुअली सबका नहीं मिल पाएगा ना अजय, टर्नओवर तो सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, टर्नओवर से डिसाइड होता है आपका सैलरी। ठीक है, कैसे, चलो अभी छेड़ दिए तो इसको पूरा बताता हूँ डिटेल में। देखो मैं जब उस कंपनी में 25,000 पे गया, तो उसके सामने ही एक कंपनी थी जिसमें जिसका नाम है किंडर जॉय। आप सबको पता होगा किंडर जॉय के चॉकलेट खाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो किंडर जॉय का ऑफिस बॉय आया, और क्या बोल अब क्या होता है, जो ऑफिस एक ही जगह होता है सबका, तो बातचीत होने लगती है। तो आया तो ऐसे मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने कहा तुम्हारी सैलरी क्या है, क्योंकि कंपनी के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रहता है सबकी सैलरी जानने का। वो भी जब आप 18,000 से 25,000 पाए हो, तो आपको लगता है मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो आप जरूर जानना चाहते हो लोगों की सैलरी क्या है। तो उस ऑफिस बॉय की सैलरी थी 24,000। कितनी? 24,000। और मैं हैरान हो गया कि ये ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, जैसे कि हमें भी अपनी कंपनी में एक ऑफिस बॉय मिलता था, पानी मंगवाना है, खाना मंगवाना है, या फिर लैपटॉप साफ करवाना है, तरह तरह की चीज़ों के लिए, और हमें 25,000, उसको 24,000, हमने डिग्री करके आए हुए, बड़ा हमको हीन भावना महसूस हुआ अंदर से। तो फिर मेरे को ये चीज़ नहीं पता था, क्योंकि फ्रेशर लोगों को ये सब नहीं पता होता है। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि यार उसका 24,000 है और क्या बोलते हैं हमारा 25,000 है। तो उसने बोला कि देखो, सैलरी जो डिसाइड होती है कंपनी के टर्नओवर पे डिसाइड होती है, कंपनी के टर्नओवर पे। कंपनी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा, ये एमएनसी और ऐसे मैंने क्यों कैटेगराइज किया, क्योंकि आपके लिए आसान हो गया ना, एक जगह ब्रांच है मतलब इनकम लिमिटेड कर रहा है छोटी कंपनी, मान लो चार पांच जगह ब्रांच है मतलब ठीक ठाक कमा रहा है, तभी तो चार पांच जगह खोला हुआ है। और अगर क्या बोलते हैं कई जगहों पर इंडिया के बाहर भी है, मतलब अच्छा खासा कमा रहा है, तो ये सबसे आसान मेथड है आप लोगों के लिए। पर टर्नओवर से आपको ये समझना चाहिए, टर्नओवर से क्या होता है, जैसे कि अभी रिलायंस है, तो रिलायंस के किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी तुमको 10,000 नहीं मिलेगी। ठीक है, 10,000 एम्प्लॉय, अभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ दिमाग में आ रही है, देखो कितना चीज़ आपको अभी बता पाता हूँ। ठीक है, तो रिलायंस के किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये नहीं होगी। अब लोग सब 10,000 क्यों नहीं देते हैं रिलायंस वाले, मेरे बगल में कंपनी होगा 8,000 रुपये दे देती है लोगों को। रिलायंस किसी को 15,000 भी नहीं देगी, लग बट मेरी कंपनी के बगल में जितने लोग हैं सबको 12,000 सैलरी है, रिलायंस क्यों नहीं दे रहा 15,000 रुपये? क्योंकि रिलायंस का जो टर्नओवर है वो बहुत हाई लेवल पे है, तो इसलिए वो डायरेक्ट आपको अगर 15,000 रुपये देगा, और आप ऐसे जगह 15,000 रुपये दे रहा, तो सीधी सीधी बात है कि आप 15,000 के अपार्टमेंट में तो नहीं रहोगे, आप ऐसे जगह रहोगे जो बहुत निम्न लेवल के स्थान होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर 2-3,000 रुपये रेंट होगा। ठीक है, तो अब अगर आप 2-3,000 रुपये रेंट के पास में रहोगे, तो हो सकता है कि आपका लोकेशन अच्छा ना हो, और जब आप वहाँ पर आप बताते हो कि मैं रिलायंस जैसी कंपनी में काम करता हूँ, तो यहाँ पर कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है। ठीक है, कंपनी के लिए रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या माइंड बनता है, क्योंकि आप सीधी सीधी बात है कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, 15,000-12,000 रुपये सैलरी दे रही है, मतलब शेयर मार्केट में भी दिमाग लगता है कि यार लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लगता है ऐसे ऐसे सैलरी ऑफर कर रहा है, मतलब कितनी बड़ी कंपनी होगी, समझ सकते हो। तो पहली चीज होती है कंपनी अपने रेपुटेशन को देखती है अपने टर्नओवर के बिहाफ में। अब कंपनी कितना देती है आपको पता, रिलायंस का जो रियल सैलरी है आपको पता है क्या, किसी को आइडिया है क्या रिलायंस का रियल सैलरी, कमेंट करके बताओ तो बताता हूँ आगे। ठीक है, बंस एंड एमसी डोनल वेबसाइट देखे, नहीं समझ नहीं आता कि बहुत रिच वैसी, समझता है कि बहुत रिच कंपनी, ओके कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को राजस्व पहचान सकते हो। ये बोला है इन्होंने, क्या बोलते हैं, आप लोगों को क्या लगता है रिलायंस की एवरेज सैलरी क्या होगी, रिलायंस की एवरेज सैलरी क्या होगी? अभी रिलायंस दिमाग में आ रहा है, मैं मोदी जी को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ सर, जो एग्जीबिशन ठीक है सर, देखो इनको इनके जीजू हैं 2 लाख रुपए पा रहे हैं, अक्षर के कोई है 7.2 बता रहे हैं, 50 बता रहे संदेश, ठीक है 1 to 1.5 लाख पर मंथ बता रहे हैं आलम, ठीक है लगभग सबका केस सही है, बट 50 to 80,000 एक एवरेज सैलरी रहता है, अजय ने सही बताया है 50 to 80,000। लेकिन आपको बताऊँ क्या, मेरा एक दोस्त बोले, अभी दोस्त का भाई है, ठीक है, तो अभी वो एक कंपनी में काम कर, रिलायंस में ही काम कर रहा है, रिलायंस जियो में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 35,000 है। कितनी है? 35,000 है, और यहाँ सब लोग क्या लिख रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख,
सही है, ठीक है, आप गलत नहीं हो। आपको पता है उसको 35,000 क्यों मिल रही है? ऐसी बड़ी कंपनियां कभी भी किसी को डायरेक्ट नहीं हायर करती है, ठीक है। रिलायंस, अडानी की कंपनियां, या फिर जैसे ब्लैक एंड विच है, ठीक है, ऐसी जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एयरटेल है, ठीक है। आपको लगता है कि उन्होंने आपको हायर किया हुआ है, वो आपको हायर नहीं करते। जॉनसन्स कंट्रोल है, ठीक है, ये सब कंपनियां आपको थर्ड पार्टी के माध्यम से। अभी एक मेरा दोस्त है, वो कंपनी वो स्टार्ट करता है, नहीं स्टार्टिंग नहीं है उसको, 3 साल हो गए, पर बता रहा हूँ कि रीजन क्या है। एक कंपनी है भारत फोर्ज, ठीक है, भारत फोर्ज मेरा एक दोस्त काम करता है, तो भारत फोर्ज है। ऐसी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो हाँ, वो थर्ड पार्टी के थ्रू इंप्लॉयज हायर करती है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करती है? देखो भारत फोर्ज एक बड़ा कंपनी है ना, ठीक है, भारत फोर्ज एक बड़ा कंपनी है। आपने अभी देखा ना वो मिसाइल विसाइल जो अभी ऊपर गई थी सब, ठीक है, उन सब के जो पार्ट्स होते हैं सब भारत फोर्ज बनाती है, ठीक है। तो मेरा दोस्त उसमें डिजाइन इंजीनियर है। तो क्या बोलते हैं, जितनी भी आप लोग देखते होंगे क्या बोलते हैं, जो राइफल वगैरह बनती हैं, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं AK-47 वगैरह बनते हैं, इनके सबके पार्ट कौन बनाता है? क्या बोलते हैं इसका सबके पार्ट बनाता है भारत फोर्ज। तो इस लेवल की जब कंपनी होगी, ठीक है, तो उस कंपनी की बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो कंपनी क्या हो गई, लिस्टेड कंपनी होगी, बड़ी कंपनी हो चुकी है। उस कंपनी ने अगर गलती से भी, ठीक है, सपोज आज पवन ने अच्छे से काम नहीं किया, मैंने आज रात को इनको फायर कर दिया, एक बार पवन मीडिया में जाके बोल देंगे, ठीक है, कि मुझे निकाल दिया गया, ठीक है, विदाउट एनी वार्निंग्स, विदाउट एनी मैसेज, और विदाउट मेरी मेरे कोई मिस्टेक के मुझे निकाल दिया गया, तो तुरंत ही मेरी कंपनी का अगर एक एक शेयर की वैल्यू अगर 700-800 रुपये, भारत फोर्ज का 750 लगभग है, तो 750 मेरी कंपनी का अगर वैल्यू है, ये फिक्स मान के चलो कि वो रेपुटेशन की वजह से वो 750 के जगह पे 700 का शेयर हो सकता है, 650 का हो सकता है। आपको ये 100 रुपये का अंतर लग रहा होगा, बट ये कई हजार करोड़ का डिफरेंस आ जाता है एक पवन को मुझे केवल फायर करने में, ठीक है। अभी जब भारत फोर्ज को कोरोना में सबको फायर करना था, फायर मतलब उनको भी सीधी सीधी बात, काम कम आ रहा था, तो उन्होंने सभी इम्प्लॉयज़ को बुलाया, प्रॉपर मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद उनको बोला कि आप लोग VRS ले लीजिए। क्या ले लीजिए? VRS। ये क्या होता है? क्योंकि किसी को निकाल तो सकते नहीं है, तो कंपनी कर रही है हम अपने जेब से आपको VRS अमाउंट, VRS मतलब होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस, आप नोटिस डाल दीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, और एक एक एम्प्लॉय को 12,000 रुपये, सॉरी 12 लाख रुपये से स्टार्ट करके 25 लाख तक का VRS दे रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हमारी कंपनी को छोड़ दें। सोचो कैसी कंपनी है जो कि इंप्लॉय को छोड़ने के लिए 15 से 20 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, आपने कोई डाटा चोरी किया है, आपने कोई गलती किया हुआ है, तब वहां पर ये रूल नहीं आता है, तब तो आपको ऐसे ही फायर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जाओगे मीडिया बोलने, तो बोलेंगे यार जब मेरा डाटा फाइल हो रहा है बाहर तो स्वाभाविक सी बात है मुझे निकालना पड़ेगा। बट बिना गलती की ये कंपनियां कभी नहीं निकालती, इनका रेपुटेशन हमेशा डाउन हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि गलती तो लोग करते ही है। अगर मैं कंपनी में हायर करूँ, मेरे भी कंपनी में कई लोग मैंने हायर किया, सही से काम नहीं करते, बहुत ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे केस में फिर मैं क्या करूँ, रिस्क कैसे ले लूँ यार कि अभी रेपुटेशन ना खराब हो मेरा? तो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी के माध्यम से, जैसे मैं जॉनसन्स कंट्रोल का नाम लिया, लिफ्ट की बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो एक 3D PLM करके थर्ड पार्टी है, उसके माध्यम से हायर करता है। तो अब 3D PLM को बोला कि तुम इम्प्लॉई हायर कर लो, ठीक है, हम तुमको 70,000 रुपये देंगे पर इम्प्लॉई, ठीक है, लेकिन वो इम्प्लॉई तुम्हारा रहेगा, काम हमारे यहाँ करेगा, ठीक है। 70,000 रुपये दे रहे हैं 3D PLM को। अब 3D PLM क्या करेगा, वो अंसारी को बोलेगा अंसारी तुम आ जाओ, तुमको हम 40,000 रुपये मंथली देंगे, जॉनसन्स कंट्रोल में काम करना पड़ेगा, ठीक है, और जॉनसन्स कंट्रोल में आपको काम करना पड़ेगा, और लेकिन आप इम्प्लॉय रहेंगे 3D PLM के। अब इसका बेनिफिट पता है क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं अंसारी को कभी भी निकाल सकता हूँ जॉनसन्स कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि हम अंसारी बाहर जाएंगे, मैं क्या बोलूँगा, थर्ड पार्टी से आए थे, 3D PLM समझे हमसे क्या मतलब है। दूसरी चीज, हम 3D PLM को बोल देंगे कि हमको सिर्फ 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर इम्प्लॉई चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आया, 1 ईयर के बाद मैं फायर कर दूंगा अंसारी को। लेकिन अगर इसी बीच में अंसारी ने अच्छे से काम किया, क्या किया अंसारी ने, अच्छे से काम किया, तो ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है कि मैं इनको अपने कंपनी में डायरेक्ट इनरोल कर लूंगा। तो रिलायंस ने जिस दिन, या फिर जॉनसन्स कंट्रोल ने जिस दिन अंसारी को डायरेक्ट इनरोल कर लिया अपनी कंपनी में,
अब 3DPLM को बोलेगा बहुत दे दिया तुमको 70,000 रुपये, अब तुम जाओ। अब वो 70 में से जो 40 मिल रहा था अंसारी को डायरेक्ट 70 दे देगा। अब अंसारी हो गए अच्छे इंप्लॉई, क्योंकि अब अंसारी को हो गया उनको विश्वास कि अंसारी कुछ गलत नहीं करेंगे, कोई डाटा नहीं गलत करेंगे, एक डेडिकेटेड पर्सन है। तब जाके फ्री इन केस इनको लगा साल भर में कि यार नहीं अंसारी अच्छा इंप्लॉय नहीं है, तो 3DPLM को बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कब जा रहे हैं अंसारी? तो बोले बस कल भेज देंगे, खत्म। समझ आया थर्ड पार्टी का गेम? ठीक है सर, आप भी एक शार्क टैंक शो में आइए, एक बार शार्क टैंक शो में आइए। ओके, नहीं मुझे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, मुझे जानकारी है चीज़ों की, काफ़ी हद तक जानकारी है क्योंकि मैंने काफ़ी कंपनीज रन किया हुआ है, पर मैं अपने शेयर्स को देने में प्लस दूसरों का इंटरफेरेंस मुझे पर्सनली नहीं पसंद है अपने काम के अंदर। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन बॉस। ठीक है, मुझे ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, मेरा एम दूसरा है, दूसरों लोगों को एम दूसरा। जब कभी भी आप अपनी कंपनी में कोई इन्वेस्टर हायर कर लेते हैं, इन्वेस्टर मुझे अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं मत सोचना कि इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर आज के टाइम पे भी मेरे पास है, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं करता हूँ। रीज़न ये होता है जब इन्वेस्टर आपको ऐड करता है, ठीक है, उसी समय पर उसने दिमाग लगाने लगता है, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसको क्वालिटी से कोई मैटर नहीं होता है, उसका मैटर होता है पैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम, क्योंकि हम तो आए ही हैं क्वालिटी के लिए, हमारा वो मकसद ही नहीं है कि हमको 1,000 करोड़ क्या लेके मर के थोड़ी जाएंगे, लेके कब पैसा, इतना ढेर सारा दाल में नमक जितना लगता है उतना ही हमें चाहिए, बहुत है मेरे लिए। तो मेरा एम थोड़ा अलग है, उनका एम अलग रहता है, क्योंकि डेफिनेटली वो इन्वेस्ट किए तो उनको लगता है कितना रिटर्न हो जाए। ठीक है, मेरे जैसा क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में शायद ही कोई होगा, मैं बड़ी बड़ी कंपनी में शेयर मार्केट में पैसे लगा देता हूँ, 1 साल 1.5 साल तक नहीं देखता हूँ, कि मेरे दोस्त लोग पता नहीं कितने बेच दिए खरीद लिए, मैं बोलता हूँ फलने दो आराम से चलेगा धीरे धीरे, और हमेशा जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट ही आता है। सर, स्ट्रक्चर इंजीनियर को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी मिल सकती है? ठीक है, इन्वेस्टर से भिड़ना ही नहीं है, यस इन्वेस्टर से भिड़ना ही नहीं, मेरा एम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मेरा एम वो नहीं है ना कि इसको क्या बोलते हैं उसको मल्टी मिलियनर वगैरह बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वी आर आई एम इंजॉइंग दिस, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। ऑलरेडी मेरे पास अभी एक हफ्ते पहले ही आया था 7,000 a day का ऑफर, मतलब 2,10,000 रुपये मंथली, मतलब 25 लाख का ऑफर था, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा एम वो नहीं है। दूसरी चीज़, स्ट्रक्चर इंजीनियर को जो सैलरी मिल सकती है पवन, इंडिया के अंदर अगर बात किया जाए तो 1.5 लाख के आसपास आराम से सैलरी ले सकता है एक टैलेंटेड स्ट्रक्चर इंजीनियर। अभी रिसेंट में दिलीप बिल्डकॉन सुना होगा आप लोगों ने, एमपी की कंपनी है। ठीक है, तो दिलीप बिल्डकॉन में 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस के लिए सैलरी ऑफर था 4 CR का, 4 करोड़ का था। ठीक है, लेकिन अब ये मत सोचो कि वो 4 करोड़ कॉमन है, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक दो मिलेंगे ऐसे। एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज 50,000 रुपये तो आराम से मिल जाता है स्ट्रक्चर इंजीनियर को। ठीक है, 50,000 से 1.5 लाख के बीच में वो आराम से खेल सकता है। बीच में उसने अगर कोई एक आध इंटरनेशनल ट्रिप मार दिया फिर वापस आता है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन कोर्ट में भी उसने काम कर रखा है, ब्रिटिश कोर्ट में भी काम कर रखा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो, सेम एस बीम इंजीनियर्स, यस सेम एस बीम इंजीनियर्स। बीम इंजीनियर के अलावा एक कंपनी है मौर्या, तुम्हारे बैच से वो अभिषेक सिंह था ना, अभिषेक प्रियदर्शी, वो एक कंपनी में काम करता है AEC-7D। ठीक है, वो बीम की कंपनी है, तो वो क्या, वो थर्ड पार्टी है। वो क्या करते हैं, उनका कंपनी का काम ही यही है कि पहले वो इंप्लॉई हायर कर लेंगे इंडिया में, उनको कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स कराएंगे, डेमो प्रोजेक्ट कराने के बाद उनको दुबई की कंपनी से, ठीक है, AEC-7D का काम ही है, दुबई की कंपनी में जो इम्प्लॉय लगते हैं उन इम्प्लॉयज़ के लिए, क्या सपोज मैं दुबई कंपनी मेरी है तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ पर सैलरी तो ज़्यादा ही मिलती है, तो उनको मैं इम्प्लॉय दे दूंगा अपनी तरफ से, AEC-7D की तरफ से, काम हमारे लिए करेंगे थर्ड पार्टी बन के, और क्या बोलते हैं वहाँ से 2 लाख के आसपास सैलरी पैकेज उठाएंगे और हमको दे देंगे 1 लाख, 1 लाख अपने जेब में रख लेंगे। उसके पहले 2 महीने यहाँ पर लगा देंगे तुम्हें 15-20-25 हज़ार रुपये पे, 2 महीने में तुमको सिखा देंगे और 2 महीने बाद तुमको वहाँ भेज देंगे, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है मोटा खासा अमाउंट। 2 साल काम कर लिया अगर एक एम्प्लॉई, अगर 1 लाख रुपये भी सेविंग किया तो आराम से 20-25 लाख रुपये आराम से बचा लेता है। मैंने बर्किन चूज किया, बर्किन बहुत अच्छी कंपनी है। कल एक लड़के का और हुआ बर्किन में मौर्या, ठीक है, 2 लड़कों का हुआ, एक पाटिल करके लड़का है और क्या बोलते हैं और तुम्हारे सीनियर बैच का है, और एक लड़का है रोमियो पॉल करके, 2 लड़कों का कल ही बर्किन में हुआ, तो मतलब बर्किन में ओपनिंग चल रही है। ओके चलो,
चलो आगे चले। तुम लोग छेड़ देते हो तो फिर मेरे अंदर से वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आने लगता है। देखो क्या होता है कि चीज़ें जितना आप एक्सपीरियंस करते हो ना, अपने आप नॉलेज बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ों का मुझे पहले पता था, समय के अनुसार, धक्कों के अनुसार इतने ढेर सारे धक्के लगे कि चीज़ें धीरे धीरे मिलने लगी, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है चीज़ों को बारे में जानने के बारे में। चलो, परकिन है कोलकाता में, राजस कोलकाता में। यस ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर वीकनेस, व्हाट्स योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है, आई एम अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, आई एम अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, दूसरी चीज, वेयर डू यू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो। ठीक है, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग्स। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लगेगा कि हम कुछ ऐसा वर्क पे पहुंच जाए कि हमको खुद के काम में ही सेटिस्फेक्शन मिलने लगे। टू मेक दिस रियलिटी आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर कंपनी। सोचो अगर कोई एम्प्लॉई ऐसे आके बोलेगा तो पता है क्या, एकदम मतलब ऐसा लगेगा क्या बात है यार, क्या मजा आ गया। ठीक है, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। ऐसा करूंगा कि मैं एकदम सेटिस्फाइड हो जाऊंगा अपने काम से ही। टू मेक दिस रियलिटी आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड लर्न लॉट फ्रॉम योर कंपनी। ठीक है, तुरंत तो समझ लो, ये आंसर बताने के बाद मैं गारंटी देता हूँ सामने वाला कितना इंप्रेस हो जाएगा कि तुम्हें हायर ही कर लेगा। वो सो बिगेस्ट अचीवमेंट्स, लोगों को लगता है मेरी लाइफ में कोई अचीवमेंट्स ही नहीं किया है। यार कैसी बात करते हो, आप सबने अचीवमेंट्स किया हुआ है, बस उस अचीवमेंट्स को हम लोग याद नहीं रखते। माई बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज कंप्लीटिंग माई बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही, आसान नहीं है। ठीक है, बहुत लोग हैं इंडिया में जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का लाइसेंस नहीं है, विद फर्स्ट क्लास एंड डिस्टिंक्शन, विद डिस्टिंक्शन। ठीक है, आपको बता दूं कि आज के डेट में, ठीक है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, ठीक है, अभी आपको नहीं पता इसका पावर क्या है। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि उस रास्ते पर जाओ, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लें तो करीब करीब 50,000 के आसपास तो आपको फिक्स इनकम आएगी। किसी दिन बताऊंगा कैसे। ठीक है, थोड़ा टफ है, थोड़ा कॉन्टेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, आराम से आप 50,000 के आसपास एक्स्ट्रा विथ योर जॉब, विदाउट डूइंग एनी वर्क, किसी काम को किए बिना आप कमा सकते हो। इतना इस डिग्री के अंदर पावर है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, इसका अंदाजा तब हुआ जब मुझे मैं एक टाइम पर ऐसा हुआ कि कोविड के टाइम पर मेरे दिमाग में आया कि एक दवाई की कंपनी खोलते हैं। क्या करते हैं, एक दवाई की कंपनी खोलते हैं, और मेरे दिमाग पे चलता रहता है। और दवाई की कंपनी जब खोलना हुआ तो मुझे बाद में पता चला कि इसमें मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के बाद मुझे पता चला कि एक लाइसेंस पे अगर कोई बी फार्मा किया हुआ है तो उसको 2 से 3 आराम से शॉप खोल सकता है। मैंने बात किया लोगों से जिन्होंने बी फार्मा कर रखा था, पर पर्सन 15 से 20 हज़ार रुपये डिमांड कर रहा था पर मंथ का, 15 से 20 हज़ार रुपये का डिमांड कर रहा था। सोचो अगर मैंने 3 शॉप खुलवा दिया तो 15 या 45 हज़ार रुपये तो फ्री का केवल अर्न करेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत से पावर्स होती है सिविल इंजीनियरिंग के, सिर्फ डिग्री के अंदर। सर हमको लाइसेंस नहीं मिल सकता ना? मिल सकता है जी, मिल सकता है, बताऊंगा कैसे मिलेगा। ठीक है, लाइसेंस की अलग क्लास चलाता हूँ, स्ट्रक्चर्स के जितने लाइसेंस हैं उनके कैसे बनते हैं पूरा स्टेप बताऊंगा। चलो छोटी मोटी चीज़ें जान लो, SGPA। ठीक है, यस मैंने बोला ना कि लाइसेंस देना इलीगल है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अभी मत, ऐसा हम आपको नहीं बताएंगे, करो। ठीक है, जैसे एक मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसका फुल फॉर्म होता है, अगर कोई पूछ लिया तो बताओ। ठीक है, CGPA मतलब होता है अक्युमुलेट ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, और अबाउट कंपनी। ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है कि मेरी कंपनी के बारे में बताओ, या फिर क्या बोलते हैं, किसी बड़ी कंपनी में आप गए हो। ठीक है, सपोज आप JW में गए हो। अब JW स्ट्रक्चर्स की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। ठीक है, इंडिया का, एशिया का सबसे हाई राइज बिल्डिंग्स कोई डिज़ाइन किया तो JW ने किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको JW के बारे में सब जानना चाहिए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई कंपनी विजन एंड मिशन एंड फिलोसफी एंड कोर वैल्यूज। ठीक है, आप पहले आप उसको बोलो कि हम बहुत इम्प्रेस हैं आपके कंपनी के विजन, मिशन और फिलोसफी से। उसके बाद उनके वेबसाइट पर लिखा रहता है द कंपनी विजन इज, छाप दो, कंपनी मिशन इज, द फिलोसफी ऑफ द कंपनी इज, कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनी इज। मान लो फिलोसफी नहीं मिली तो छोड़ दो, बाकी चीज़ें बता दो। ठीक है, उसके बाद CEO ऑफ द कंपनी इज XYZ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज XYZ। सोचो
एक फ्रेशर लड़का मेरे कंपनी के बारे में कितना पढ़ के आया है, मुझे कितनी खुशी होगी अगर ये आंसर आप करोगे। तो आपको भी ये जो आंसर शीट दे रहा हूँ इसका वैल्यू अभी नहीं समझ आएगा, जब इंटरव्यू में बोलोगे तब समझ आएगा कि सामने वाला बोलेगा वाह। ठीक है, द कंपनी इज स्टार्टेड इन दिस ईयर एंड सर्टिफिकेशन इज दिस, कंपनी हैज द बेस्ट क्लाइंट, ठीक है, जो उनके आउटसोर्सिंग जो भी करते हैं उनका मेन कंपनी कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है बता दो, कंपनी का काम क्या क्या है। अब ये BIM का है तो डेफिनेटली आप कंपनी का काम क्या बता सकते हो, हाई रेज बिल्डिंग्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन एंड एनालिसिस, उसके बाद रो टाइप बिल्डिंग्स, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस, जो जो उनके काम है सब लिख के फटाफट दे दो खत्म। तो ये जितने क्वेश्चन है बहुत काम के हैं, वाई डू यू ज्वाइन द कंपनी, हाउ डिड यू हियर दिस अबाउट योर रोल, करियर गोल्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अबाउट कंपनी और बिगेस्ट अचीवमेंट्स, 5 ईयर में कहाँ देखते हो, वीकनेस क्या है और क्यों हायर करो। इतना ही क्वेश्चंस आपको आज रेडी करना है और रेडी करके नेक्स्ट मॉक में इसके बिहाफ पर आंसर देना है, जिससे कि लगे कि आपके आंसर में प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है जी, चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, और आई वॉज आस्क्ड इन गोदरेज क्वालिटी एश्योरेंस जॉब्स अबाउट द वीकनेस स्ट्रेंथ एंड सच क्वेश्चंस बिफोर आस्किंग द टेक्निकल क्वेश्चन, यस, इसीलिए बोला कि बहुत काम का है। हाँ रमेश बोलो। हेलो जी सर। हाँ रमेश बोलो। सर जो जो साइट एग्जीक्यूशन से शिफ्ट स्ट्रक्चर डिजाइन में कर रहे हैं उसके लिए क्या बोलना होगा सर? ठीक है, बहुत आराम से देखो, अभी साइट में कितने साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारा? 4 ईयर सर। 4 ईयर का। तो तुमको पहले इसको प्रेजेंट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ज्वाइन द साइट इंजीनियरिंग जॉब्स सो दैट आई कैन लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड आई लर्न अ लॉट फॉर एवरी टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आई लर्न, फॉर थोड़ा सा बोलना भी पड़ेगा, फॉर एवरी टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वी हैव हैंडल द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रेजिडेंशियल कॉमर्शियल एंड लाइक हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आई हैव डन इन माई लास्ट 4 ईयर्स। आफ्टर दैट आई रियलाइज आई कैन ग्रो लाइक आई नहीं सॉरी आफ्टर दैट आई रियलाइज लाइक आई एम पैशनेट विथ स्ट्रक्चर्स एनालिसिस ऑल्सो, सो आई जस्ट ज्वाइन द स्ट्रक्चर्स इंटर्नशिप, आई लर्न एवरीथिंग इन दैट इंटर्नशिप एंड आफ्टर दैट आई फील लाइक आई कॉन्फिडेंस बिकॉज सर प्रोवाइड अस 4 to 5 projects, आई कंप्लीटेड दैट ऑल द प्रोजेक्ट्स इन प्रोफेशनल मेजर, और तुम्हारे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए उसका। तो आफ्टर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्विच माई कैरियर फ्रॉम साइट टू क्या बोलते हैं अपना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब। अब इसी चीज़ को अगर लोग कैसे बोल देते हैं मैं बताता हूँ तुमको लोगों का। एक लड़का आया, ठीक है, हमारी एक कंपनी में से इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू में बहुत लेता था, तो इंटरव्यू के लिए आया, तो मैं उससे बोला कि तुम साइट की जॉब छोड़ के क्यों आ रहे हो, तो 12 और बज रहा था, गर्मी का टाइम था, ठीक है, तो ऐसे पसीना वसीना बस, बोलता है सर बहुत हेक्टिक जॉब है, पूरा गलत कर दिया उसने। ठीक है, मैं उसी समय सोच लिया इसको हायर नहीं करना है। ठीक है, अब जब तुम बोलते हो बहुत हेक्टिक जॉब है तो मुझे क्या लगता है एज अ कंपनी ओनर कि बेटा अगर कल को मेरा काम हेक्टिक वाला हो गया निकल जाएगा। ठीक हेक्टिक तो दोनों जगह होता है, बस वहां पर क्या है थोड़ा ज्यादा है ये हमें पता है। इसी चीज को जैसे मैंने बोला, क्या बोल देते हैं कि मैंने साइट पर सब कुछ प्रैक्टिकली सीखा, उसके बाद नाउ आई वांट टू लर्न दैट ऑल थिंग्स इन स्ट्रक्चर्स एनालिसिस मैनर्स, ठीक है, उसका मैं उसके अंदर जाके उसकी एनालिसिस सीखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसको कैसे डिसाइड करना है, इतना ही रखना है। ठीक है, तो तुमने अपने एक्सपीरियंस को जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था उसको वर्थ किया और इसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अदरवाइज कंपनी को 2 मिनट लगेगा, भले तुम उसको अच्छे लगे 2 मिनट लगेगा, ओ यू वांट टू स्विच योर कैरियर सो यू आर फ्रेशर इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तुरंत गेम खेल देगा वो। ठीक है, अब जैसे तुमने बोला यस सर यस मैम, बस फिर क्या है तुम फ्रेशर हो ना, 15,000 रुपये दे देंगे। और इसी चीज़ में अगर तुमने उसको एक्सपीरियंस में ही खींच लिया होता, फिक्स है उसकी मजबूरी होती कि उसी सैलरी पर या फिर उसे थोड़ा सा ज़्यादा करके देना पड़ता। ठीक है, तो इंटरव्यू इज द आर्ट। ठीक है, शायद मैं कल या परसों किसी को एक उस पे बोल रहा था कॉल पे कि तुमको कितना आता मुझे कैसे पता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 5 मिनट डिसाइड करेगा कि तुमको कितना आता है मेरे लिए, है ना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जैसे कि अभी मतलब हर चीज़ वैसे ही होता है कि अभी जैसे कि वो क्या बोलते हैं मूवी में ऑडिशन होता है ना, तुम कितने अच्छे एक्टर हो पता नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन पहला तुमने अगर जो उनका जो कुछ होता है ना ऑडिशन वगैरह जब लेते हैं, तो पहले ऑडिशन में तुमने अच्छे से पिक्चर कर दिया, तुम्हें पिक्चर तो मिल ही जाती है। अब खराब करो अच्छी करो देखा जाएगा पब्लिक क्या डिसाइड करती है, पर पिक्चर मिल जाएगी, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करो। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई,
आपके टास्क पे, ठीक है, चाहे जितना लेट हो पहले हम टास्क जरूर चेक करेंगे, ठीक है। और कल आपको क्या करना है, सबने ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे ना तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि मेरे अंदर जो पावर आती है वो आपके प्रोजेक्ट से आती है। आप करते हो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है अच्छा हाँ हो रहा है ना, चलो और मेहनत करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट का 3D बनाना है, ठीक है। सबने ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया, सेक्शन रिविजन बना लिया होगा, चल रहे हैं देखने, उसी का आज 3D बनाना है, ठीक है। और 3D बनाने के बाद लेक्चर नंबर 20 तक कंप्लीट वॉच का डालो। अब खत्म करते हैं ऑटोकैड को, लेक्चर नंबर 20। हाँ लम बोलो। सर एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट हो नहीं पाया है क्योंकि मेरा गवर्नमेंट का एग्जाम था। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, लैपटॉप मेरे पास है नहीं, तो ओके, मैं कल तक पहुंचूंगा, तो 2-1 दिन में मैं सारा प्रोजेक्ट करके सबमिट कर कौन से दूंगा। गवर्नमेंट का एग्जाम था? वो मतलब कि बिहार में असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्जाम था। एक चीज बताओ, क्या बिहार का और यहाँ यूपी का सबसे बड़ा पंगा यही है? ठीक है, एक्चुअली क्या सर एग्जाम पहले हुई थी लेकिन पेपर लीक हो गया था, तो री एग्जाम था, तो सोचे दे देते हैं, प्रिपरेशन था ठीक ठाक। तो ये री एग्जाम को जो लफड़ा है ना, ये तो बहुत गंदा चीज है, ठीक है। मतलब ये इसका पूरा धंधा चलता है यार लोगों का, ठीक है। मैं एक बार ऐसे ही क्या बोलते, अभी पीछे गया था इलाहाबाद, जानते हो प्रयागराज, बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं ना पढ़ने का हव है वो, तो देखा वहाँ पर सब लोग क्वेश्चन का आंसर उनको पहले आ गया, कोई एग्जाम चल रहा था। मैं ना आज तक, मेरी एक वो रहा है कि मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते, तो फिर मैंने देखा कि सब लोग मोबाइल पर देख रहे थे क्वेश्चन आंसर, तो सबको लग रहा है कि क्वेश्चन पहले से लीक हो गया, उनको सबको मिल गया, सब बड़े मस्ती से चोरी से पढ़ रहे हैं। मुझे लगा ये सब चोरी से पढ़ क्या रहे हैं, मैं थोड़ा झाका होगा ऐसे देख रहा था, तो फिर देखा तो समझ आया, मेरे घर के बगल में स्कूल है, तो मेरे मैंने देखा तो सब अपने आप पेपर आंसर ही वो कर रहे थे, जो उनके पास पेपर सीट आया था। एक घंटे बाद रिपोर्ट आया, न्यूज़ में आया कि पेपर लीक हो चुका है, कैंसिल हो गया। ये बहुत गंदा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक एक वो है, और उत्तराखंड तो बिल्कुल यार, उत्तराखंड तो यूपी का ही पार्ट रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली में। ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं है लोगों की, लगती है, बट द ओपनिंग्स आर वेरी लेस, ठीक है। और तुमको मैं एक चीज़ बताऊँ क्या, अभी क्या बोलते हैं, मेरे दो छोटे भाई और हैं, ठीक है, वैसे तो भाई कई लोग हैं हम लोग, कजिन में एक भाई है, तो दोनों ही बहुत टैलेंटेड है पढ़ने में, ठीक है। एक है जो कि रेलवे में बहुत हायर प्रोफाइल पर, ईएस में उसका ऑल इंडिया फोर्थ रैंक था, ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा, ठीक है, ईएस में ऑल इंडिया फोर्थ रैंक, अभी रिसेंट में 2019-20 पास आउट। तो उसकी जो सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी कितनी है आपको पता है? गवर्नमेंट की जो सैलरी है, लिफाफा जो मिलता है बहुत मिलता है उसका छोड़ दो, ठीक है, उसकी जो गवर्नमेंट की सैलरी है 65,000 है। कितनी है? 65,000 है, ईएस में ऑल इंडिया फोर्थ रैंक, ठीक है। आप इंटरव्यू डालना उसका, मेडजी पर इंटरव्यू आएगा, प्रकाश तिवारी नाम है, और गेट में उसका क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया 11th रैंक है, 11th या 9th है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 11th या 9th, मतलब वन डिजिट में ही लगभग सारे उसके हैं, ठीक है। तो 11th रैंक उसका ऑल इंडिया है, और क्या बोलते हैं, ईएस में ये है, और उसका पैकेज कितना है गवर्नमेंट जॉब में? 65,000 का है। एक और भाई है मेरा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, गेट से गेट क्वालिफाई है, और उसने क्या बोलते हैं, डेफिनेटली उसमें सीएस से था, तो वो उसकी जो सैलरी है, वो सैलरी पता है कितनी है? वो सैलरी है उसकी जो क्या बोलते हैं, दूसरा भाई है, उसकी सैलरी है 2,20,000 रुपये, 2,20,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, करेंट सैलरी बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंट, क्योंकि अभी शादी में गए सब मिले थे, तो 2,20,000 रुपये उसकी सैलरी है, और उसकी सैलरी 65,000 रुपये। नो डाउट 65 वाला ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, और नो डाउट वो 2 लाख से ज़्यादा कमाता है भी है, ठीक है। उसको उसको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग आते हैं, बड़े बड़े लिफाफे देते हैं, ठीक है, तो बहुत सीधी सीधी बात है, गेस्टेड ऑफिसर है, ड्राइवर है, नौकर चाकर सब कुछ मिला हुआ है, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में भी उसने बहुत अच्छा किया। जो दूसरा है थोड़ा कम पड़ा था, पर उसने अच्छा कर लिया, 2,20,000 रुपये है, फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ने ही बढ़ने वाला, दोनों का सेम एज, इसलिए दोनों का बताया मैंने, ठीक है। बट पीएससी में टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, कॉलेज फैकल्टी हुआ, ठीक है, 2019 में कॉलेज का फैकल्टी का भी हुआ, एयर, ओके, एयर 111, नहीं एयर 111 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन टॉप में क्या बोलते हैं आना थोड़ा सा टफ होता है। एक्जैक्टली मुझे फोर्थ या 11th ऐसे, बट ये मुझे पता है कि वन डिजिट में ही था लगभग। देखो तुम लोग देखना होगा तो इंटरव्यू देख सकते हो, उसका रहेगा मेड जी, बहुत दिन हो गया तो इसलिए पता नहीं है, बट वो
जैसे उसने बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग पे आके चला करते हैं। आज के समय में नो डाउट क्या बोलते हैं, प्राइवेट जॉब इज द बेस्ट। ठीक है, इसमें आप एम्पल अपॉर्चुनिटीज जितना चाहो उतना कमा सकते हो, मुझे दिख नहीं रहा अभी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है पूरा 3-4 लोगों का पूरा ट्रिप रहा है, ठीक है, टॉप रैंकर्स करके कुछ हो गया है, तो इतना बड़ा इनका चैनल है कि बहुत ढेर सारे, तो उसका इंटरव्यू पूरा का पूरा 1 घंटे का है, बी सिंह ने ही लिया हुआ है, ठीक है, तो इनका मीटिंग था बच्चों को लेके जो टॉप रैंकर होते हैं, उसका टॉप 1% पर आने वाला था, बट एक फर्स्ट नहीं आया, शायद सेकंड था इसका, 2019 लिखना पड़ेगा शायद। दिख नहीं रहा बट उसका है टॉप क्या बोलते हैं 7th या 6th रैंक है क्या क्या करके, तो वो एक्चुअली उसका स्टेटमेंट बताता हूँ, उसका स्टेटमेंट क्या था, तो अभी ये बताया क्या भैया क्या बोलते हैं कि जब वो ईएस नहीं निकाला था, इससे पहले वो इंडियन ऑयल में था, किसमें था, इंडियन ऑयल पीएसयू उसके थ्रू गया हुआ था, तो उसका ये स्टेटमेंट था कि मैं इंडियन ऑयल में हैप्पी था। ठीक है, आप बताओ क्यों, क्योंकि इंडियन ऑयल में उसका सैलरी जो पैकेज था वो 18 लाख का था। ठीक है, वो बोलता है कि यहाँ पर पैसे तो लेने पड़ते बट ये पूरे गलत पैसे रहते हैं, ठीक है, पैसे मिलते पर ये पूरे गलत पैसे रहते हैं, तो वो कहा कि मेरे को अच्छा वाला पैसा ही चाहिए, वो बहुत कम ऐसे ऊपर वाला लेता है, पर वहाँ क्या होता है कि अगर आप नहीं लेते हो तो फिर आपको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी में उसको लेना पड़ता है, मिलता भी है 2.5 लाख 3 लाख के आसपास, तो उसको एक्से लिफाफे मिलते हैं, न ले तो कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों से कंपटीशन ले ले, फिर डेफिनेटली वो भी सोचेंगे कब इसको निपटाना है क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मिर्ची के गुड प्लेटफॉर्म बट दे हैव हाई फी बिकॉज ऑफ हाईएस्ट प्रोफेसर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ऑब्वियस ही बात है, वो तो क्या बोलते हैं, उनको सबको देखना पड़ेगा सर आज के समय में कौन सा जॉब, मेरे अकॉर्डिंग आज के समय में प्राइवेट जॉब इज द बेस्ट। ठीक है, प्राइवेट जॉब बेस्ट है और उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप आइए इंटरप्रेन्योरशिप में, चाहे गवर्नमेंट हो उसको कौन हैंडल करता है, आपको लगता है गवर्नमेंट किसकी है? ठीक है, आपको गवर्नमेंट लगता क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इनके अंदर ये दम ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट बना सके। गवर्नमेंट कौन बनाता है पता है? बिजनेसमैन बनाता है। अगर आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन सोच ले कि मुझे सीटी तो कन्वर्ट करना होता है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीटी तो डन फाइनल करना है, मुझे अगर 60-70 सीट खरीदनी है कितने में होगा? ठीक है, 60-70 सीट खरीदने के लिए मुझे 8-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा थोड़ी लगेगा। तो सबसे बड़ा जो पावरफुल कुछ है तो वो है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस से बड़ा पावरफुल जॉब भी नहीं है, बिजनेस से बड़ा पावरफुल गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाओ भी नहीं है, इवन बिजनेस से बड़ा पॉलिटिक्स भी नहीं है। ठीक, इतना बिजनेस बड़ा है। ठीक है, इसमें आप चाहे जिस चीज़ को चाहे जिस तरीके से हैंडल कर सकते हो, आपकी जो गवर्नमेंट चल रही है गवर्नमेंट आपकी नहीं है, मतलब बीजेपी या फिर कांग्रेस की नहीं है, ये गवर्नमेंट इस समय पावरफुल पर्सन अडानी है, ठीक है, उनकी है, अंबानी है उनकी है, टाटा की है, और इन्हीं को प्रोजेक्ट मिलेगा, हमको आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्हीं को प्रोजेक्ट मिलेगा, हम सब नीचे के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ये हाल हो चुका है अभी। माई डेट फेस द सेम प्रॉब्लम वाइल पीडब्ल्यूडी, यस पीडब्ल्यूडी में ऐसा होता था, पीडब्ल्यूडी में मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि तुम पीडब्ल्यूडी का फॉर्म मत भरना, मैंने बोला क्यों, तो ड्राइवर थे उस पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो बोलते कि जो उसके अंदर गवर्नमेंट इंजीनियर होता था, अब उन लोग के समय पर तो अलग था ना, डिजिटल तो कुछ था नहीं, तो बोलते वो अटैची खोलता और अटैची खोल के पैसे निकालता, सबको ऐसे बांट देता, इतने पैसे उसके पास होते थे। तो पहले था ये सर, स्ट्रक्चर इंजीनियर बिजनेस कर सकता है कौन सा? स्ट्रक्चर इंजीनियर से बड़ा तो कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर इंजीनियर अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोल सकता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, खुद की कंसल्टेंसी खोल के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में किसी दिन डीप में डिस्कशन करूँगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर आप आराम से, ठीक है, अगर आप आज के टाइम में बिजनेस करना स्टार्ट करें, आपके पास अगर अच्छा कॉन्फिडेंस है अपने प्रोजेक्ट को करने का, 15 से 20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया है मंथली। ठीक है, ठीक है, चलो तुम लोग असाइनमेंट साथ नहीं चेक करने दोगे लग रहा है, सोच रहे हो ऐसे घुमा दे सर को जिससे कि असाइनमेंट्स पर नंबर ही ना आए। चलो बता देता हूँ,
ठीक है, देखो अभी तुम क्या कर सकते हो सिंपल, जैसे कि बड़ा के लिए नहीं पर छोटे के लिए बोलता हूँ, छोटे के लिए तो तुम जितने भी तुम्हारे एरिया के आर्किटेक्ट हैं ठीक है, अगर सबको तुम कांटेक्ट कर लेते हो, तुम जस्ट डायल पर सर्च करना, तुम्हारे आसपास कम से कम मैं गारंटी देता हूँ 250 से 300 आर्किटेक्ट होंगे, 250 से 300 आर्किटेक्ट होंगे ठीक है। और क्या बोलते ठीक है, और उसके बाद सिर्फ उनसे आप कंसल्ट कर लो कि हम आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर्स का पूरा वर्क करके दे देंगे। अब 250 अगर आर्किटेक्ट है, मैं मान के चलता हूँ कि 250 आर्किटेक्ट में से 25 आर्किटेक्ट आपको भाव देंगे, 25 में से 2.5 मतलब 3 आर्किटेक्ट मान के चलो ये बोलेंगे हम फिक्स करते हैं आपके साथ काम ठीक है। 3 आर्किटेक्ट भी सफिशियंट है आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। पहला वर्क हो गया आपका, आपने 250 आर्किटेक्ट को अप्रोच किया, और क्या बोलते एक लड़का है अपना, क्या बोलते हैं तुमसे, तुम्हारे से जस्ट सीनियर वाली बैच में है, तो जबीबुल्ला ना, हाँ जबीबुल्ला ठीक है। उसने क्या किया, उसने मेरे यूट्यूब एक वीडियो बनाया था, उसने वॉच किया था, वो बोला कि सर मैंने पूरा वही किया जो आपने बोला था। अभी उसके पास बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट है, वो बोलता है प्रोजेक्ट पूरे मैं कर ही नहीं पाता हूँ। वो क्या करता है, उसको मैंने एक टेक्निक बताया था कि आप आर्किटेक्ट जितने भी तुम्हारे एरिया के आसपास है, नोएडा के आसपास रहता है वो, सबको जाओ सबको बोलो हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। वो लिस्ट बनाया और सबके पास गया, पोर्टफोलियो बनाया था अपना वो कि हमने ये काम किया हुआ है, और उसके बाद सबको बोला, और लगभग उसने बोला कि मुझे 10% लोगों ने सर रिस्पॉन्स दिया, बाकी लोगों ने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी लोग हैं तो मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। 10% लोगों ने उसको बोला कि हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, पर उसने बड़ी अच्छी चीज़ बोला कि सबने बोला कि हम फ्री में नहीं कराएंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। आर्किटेक्ट ने क्या बोला, आर्किटेक्ट इन द सेंस जो सिविल इंजीनियर जो प्लान वगैरह दे रहे हैं उनकी ही बात कर रहे हैं, जो छोटे मोटे कॉन्ट्रेक्टरशिप कर रहे हैं उनकी, सब मिक्स थे ठीक है। तो उन्होंने बोला हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके नहीं देंगे ठीक है, हम आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देंगे। तो उसको एक अमाउंट का कॉस्ट मिला, और उसके बाद उसने प्रोजेक्ट करके देना स्टार्ट कर दिया। उसने फर्स्ट प्रोजेक्ट में एकदम जी जान लगा दिया, और जी जान लगाने के बाद उसने क्या बोलते हैं, सब दस जो 10% आर्किटेक्ट थे उसमें से सब ने लगभग लगभग 3 से 4% लोगों ने रिपीट ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब उन्होंने रिपीट ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसने क्या बोलते हैं, सीधी सीधी बात से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा एक साथ में एक और बंदा है जो खोला हुआ है, तो उन्होंने रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया, और उसका काम धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता चला गया। फिर क्या बोलते हैं, उसका काम बढ़ते बढ़ते चला गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑफ बिजनेस कैसे होता है स्ट्रक्चर्स का ठीक है, स्ट्रक्चर में क्योंकि मेरे को एक्सपर्टीज है थोड़ा बहुत है जो भी कर सकते हो, तो इसलिए बता सकता हूँ। तो सेकेंड स्टेज ये होता है कि आप थोड़े से पैसे खर्च कर लो, इंडिया मार्ट जस्ट डायल सुलेखा.com, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे तुम क्या कर सकते हो, आराम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करो, GST नंबर डाल दो अपना और कंपनी रजिस्टर कर लो, ऑनलाइन सब हो जाता है। कुछ जैसे अभी कल इंडिया मार्ट का कल ही मैंने पता किया था, तो इंडिया मार्ट का यहाँ पर कल क्या क्या बोलते भारतीय यहाँ पर है क्या ठीक है, अब पिछली वाली बैच में है आपके, तो भारतीय है तो मेरे साथ ही वो कर रहा है, तो उसी को बोला मैंने क्योंकि मैं तो कर नहीं पाता ना, टाइम ही नहीं रहता है। तो 25,000 रुपये प्लस GST ऐसा करके उनका इंडिया मार्ट का एक साल का रहता है रजिस्ट्रेशन का, तो लगभग 28-29 जाता है, तो 29-30 हज़ार रुपये आप खर्चा कर देंगे तो आप इंडिया मार्ट रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लगभग वही मोटा मोटा लगभग रेंज वही रहता है 2500-2600 के आसपास जस्ट डायल पे। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सभी जगह रजिस्टर्ड कर दो, सभी जगहों से लीड आना फिक्स है ठीक है। उन लीड्स पे जाओ, जैसे लीड आता है उनको कॉल करो, उनको वर्चुअल चीज़ें दिखाओ कि हम ऐसा बना के आपको देंगे ठीक है। अब वो कन्विंस करने पर है आपको लीड मिलना फिक्स है, आज के टाइम पे इंडिया मार्ट पे जस्ट डायल पे सुलेखा.com लीड मिलना फिक्स है, मेरी गारंटी है ठीक है। अगर लीड को आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप समझिए कि अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधे क्लाइंट के पास गए। इसको बोलते हैं, उसके पहले जो आप कर रहे थे उसको बोलते हैं B2B था वो ठीक है, जो आर्किटेक्ट के पास गए आप कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। अब आपने दूसरा स्टेप क्या कर दिया, वो करते रहो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है B2C ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास डायरेक्ट आप गए हो, डायरेक्ट उसको आपने कन्विंस किया, और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर दिया ठीक है। और इसमें और पैसे आपके पास आ गए तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो आप प्रोजेक्ट करके दे रहे हो, उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब तुरंत विद मटेरियल काम नहीं लेना चाहिए, आप फंस जाओगे ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, हम आपको सपोज लेबर लोगों से बात किया, भाई तुम लोग क्या चार्ज लोगे, तो उन्होंने बोला कि हम 210 रुपये से आप लेंगे, 210 रुपये स्क्वायर फीट उनका इसमें मोटा मोटा यही चार्ज चल रहा है। तुमने बोला ठीक है, अब तुमने क्लाइंट को बोला कि हम भाई 240 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे, जिसमें से स्ट्रक्चर्स का भी वर्क आपको करके देंगे, विजिट भी करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट आपको हैंडल करेंगे।
अब आपने 30 रुपए का मार्जिन ले लिया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। अब समझ लीजिए आप 30 रुपए स्क्वायर फीट, अगर 1000 स्क्वायर फीट है, 3 फ्लोर है, लगभग आप 1 लाख रुपए के आसपास आराम से अर्निंग कर लोगे एक प्रोजेक्ट को करके। अब इसी बी टू सी में जब आप घुस चुके हो तो थोड़ा और बिजनेस है आगे। क्या बिजनेस है आगे? आगे आप उनको लोन अप्रूवल में हेल्प कर सकते हो। इसके लिए भी 5 से 10 हज़ार रुपये फिक्स चार्जेस होते हैं, इसका प्रोसेस है, किसी दिन उसको भी बताऊंगा। और बड़ा प्रोसेस का भी है, लोन के लिए आपको बजट देखना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो उसके बाद आपने इसमें भी 5-10 हज़ार रुपये अर्निंग किया बी टू सी में। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, 10-15 लाख का बैकअप हो चुका है, आप डायरेक्ट विथ मटेरियल काम उठा लो। इतना पैसा बचता है विथ मटेरियल में। क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली आपको मेरा एक प्रोजेक्ट, अभी कुछ दिन पहले साथ में बोला था ना आप लोगों, मैं लेट आऊँगा साइट पर जा रहा हूँ, तो हमारा प्रोजेक्ट अभी जस्ट कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। 550 स्क्वायर फीट था, 3 फ्लोर था टोटल, उसमें लगभग 1600-1800 स्क्वायर फीट के आसपास हो गया। और हम लोगों ने जो काम उठाया था वो काम कितने पे उठाया था? 1700 रुपये स्क्वायर फीट पे उठाया था। कितने पे? 1700 रुपये। उनको थोड़ा अच्छा चाहिए था, इसलिए मार्केट में 1500 रुपये ही चार्ज चल रहा है। पर सामने वाले का तो देखना पड़ता है, उसके पास कैपिटल कितना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कितना है, मैच करके हमने देखा। तो हमने उस प्रोजेक्ट को 1300 रुपये स्क्वायर फीट, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग गया, 1350 पकड़ लो, 1350 रुपये स्क्वायर फीट में उसको कंप्लीट करके दिया। 1700 रुपये पे हमने किया 1350, मोटा मोटा आपने 350 रुपये स्क्वायर फीट की बचत किया। आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना पैसा बच रहा है। और उसमें हमने प्लानिंग दे दिया, मॉडलिंग दे दिया, स्ट्रक्चर्स का प्लान दे दिया। ये बी टू सी का तीसरा बिजनेस है। सिविल से ज़्यादा पैसा कहीं हो ही नहीं सकता है। अभी और अंदर जाऊंगा तो फिर आपको और पैसा से पता चलेगा कहाँ मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सारे लूप होल को थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लिए हैं बी टू सी में ही। अब काम मेरा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मान लो डालमिया सीमेंट से या फिर जेपी सीमेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, भाई तुम कितना लोगे, ठीक है। उसने बोला कि भाई 340 का आता है, मार्केट में हम 370 का बेचते हैं। तुमने बोला 340 का आता है ना, तुम मुझे डायरेक्ट दो, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं तुमको, ठीक है। तुम मुझे डायरेक्ट दो, कितने का डायरेक्ट दो, 340 का तुमको मिला, 345 का हमको दे दो, 5 रुपये पे। वो दे देगा, क्यों दे देगा, उसको लगाना नहीं पड़ा, रखवाना नहीं पड़ा सीमेंट को, स्टोरेज नहीं करना पड़ा, 5 रुपये साफ साफ बच रहा, कॉल पे ही सब बात हो गया, फैक्ट्री से डायरेक्ट तुम्हारे पास साइट पर आ गया एक ट्रक तुम्हारा सीमेंट, बचत कर लिया। ऐसे ब्रिक में होता है ऐसे सीमेंट, मतलब मटेरियल का भी एक अलग कमाई है, एजुकेशन का अलग कमाई है, डिज़ाइनिंग का अलग कमाई है। अभी तो अभी और अंदर जाओगे तो कहोगे सर कहाँ कहाँ कितने कितने सोर्सेस है। इंटीरियर वर्क का अलग, ठीक है, आपने अच्छे से काम करके दे दिया, उनको इंटीरियर का कोटेशन दे दीजिए, कभी फ्यूचर में आपको इंटीरियर करना रहा तो ये कॉस्ट रहेगा, इंटीरियर पे भी अर्निंग आप करोगे, ठीक है। और अभी लास्ट प्रोसेस होता है, कभी कुछ डैमेज हो गया तो वो तो ज़्यादा तो लोग नहीं करते हैं, तो कुछ डैमेज हो गया उसको सही कराने के लिए अलग रहता है। तो ये है आपका बी टू सी में सेकेंड स्टेज ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बिजनेस। थर्ड स्टेज बता देता हूँ, थर्ड स्टेज है जब आप बहुत बड़ा गेम खेलना चाहते हो तब के लिए है, ठीक है। आप बढ़िया आप एक ऑफिस बनाइए, कुछ अच्छे बच्चों को हायर करिए, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन उनके पास अच्छा हो, आप डायरेक्ट बैठाइए उनको सबको ऑनलाइन साइट्स पे, ठीक है। अभी कई ढेर सारी साइट है, fiverr.com है, freelancing.com है, उन साइट्स पे बैठाइए, जैसे कोई काम आता है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उठाइए, डॉलर में पैसे उठाइए, ठीक है। एक कंपनी है 2020 इंटीरियर डिजाइनर करके, ठीक है, तो वो यही करती है। तो उसके पास लगभग इसमें 200-250 लोगों की टीम है, तो 20-20 लोगों का टीम डिवाइड कर दिया उसने। तो अब क्या होता है, जब वहाँ से कोई काम इंटरनेशनल कोई काम आता है, तुरंत बिडिंग करनी पड़ती है। ये बिडिंग मैं पढ़ा दूंगा आपको कैसे करना पड़ता है, बिडिंग करनी पड़ती है। बिडिंग जैसे ही करोगे तो अभी एक साथ 20 लोगों ने बिडिंग किया कि मुझे चाहिए काम, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो अब क्या होगा कि अब मैं चैट पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा ना 20 में से किसी ने किसी को दे देता हूँ, कंपनी का अकाउंट है, 20 में से मैं किसी को भी दूंगा काम, उसी कंपनी को चला जाएगा, ठीक है। हो गया तो हो गया, अब बाकी लोग फिर से लग गए अपनी बिडिंग में। अब काम उठाया, सपोज काम को उठाया $15 पे, ठीक है, मोटा मोटा 1500 रुपये घंटे पे। अब आपने काम उठाया, ठीक है, उस जिसने काम लाया उसको बोला तुम 10% अपने पास रखो, 150 रुपये उसने रखा, फिर काम पे स्टार्ट हो गया, फिर से लेके आए और तुमने अपने एक एम्प्लॉई को हायर किया, उसको बोला हम $5 पर आवर्स देंगे तुमको, ये भी खुश हो गया, 500 रुपये घंटे के हिसाब से मिल रहा है, 4 घंटे भी किया तो 2000 रुपये लेके जाऊंगा, ये भी मगन होकर काम कर रहे हैं। और तुमने मोटा मोटा $5 स्क्वायर फीट सेविंग, $5 पर आवर्स सेविंग कर लिया। तुम्हारे पास एक एम्प्लॉई तो नहीं है ना, 250-300 एम्प्लॉई है, कितना पैसे अर्न करोगे, आपको आइडिया है इसका, ठीक है। बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो ये भी बी टू सी का ही दूसरा है, पर ये बी टू सी आई है, ठीक है, इंटरनेशनल है, ठीक है। तो ये बिजनेस का तीसरा ट्रिक है। अब इसमें और बहुत सी चीज़ें कर सकते हो फ्यूचर में, कि हम आर्ट टीचर वर्क भी करेंगे, बीम का भी प्रोजेक्ट करेंगे, कंसल्टेंसी भी खोलेंगे और इतना तरह की चीज़ें। अब रहने दो, थक जाओगे, ठीक है,
अभी मेरे को छेड़ते हो तो मैं मेरे डीप में चला जाता हूँ धीरे धीरे। सर वार में कितना होता है मीटर स्क्वायर? ठीक है, वार क्या होता है सर? जॉब के साथ भी कर सकते? यस यस, जॉब के साथ बिल्कुल कर सकते हो, बहुत लोग जॉब के साथ करते हैं। मुझ आपको क्या लगता है कि मैं, आपको पता है मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर है, ठीक है, तो मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे? मैंने खुद सब कुछ पार्ट टाइम ही किया है, पार्ट टाइम करके तब फुल टाइम आया हूँ। जब मेरी इनकम लगभग सैलरी से ज़्यादा हो गई थी तब मैंने फुल टाइम जॉब को सर्च छोड़ा है। मेरी सैलरी जो लास्ट थी 70,000 थी। तो आसान तो नहीं है मतलब कि मेरे को जॉब छोड़ के डायरेक्ट बिजनेस में आना, बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैंने रिस्क कैसे लिया? बैकअप बना के रिस्क लिया, तो इसलिए। बट साथ साथ मैं अपना दूसरा काम कर रहा था। सर क्या स्ट्रक्चरशिप इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद इस लेवल तक तो पहुंच जाएंगे कि आर्किटेक्चर प्लान को आराम से, बहुत आराम से करके दे सकते हो? इसकी पूरी गारंटी मेरी है। पूरा ड्राइंग्स आप सबमिट कर सकते हो, पूरी एनालिसिस कर सकते हो, सिर्फ एक चीज करना तब। आप बोलो सर क्या? 80% प्लस हमको अटेंडेंस दे देना बस, और 80% प्लस वर्क करके सबमिट कर देना। मैं गारंटी लेता हूँ आप पूरा प्रोजेक्ट करके दोगे, सबमिट कराओगे, ठीक है, बट 80% से थोड़ा भी नीचे रहोगे तो फिर गड़बड़ है। तब मेरे से मत एक्सपेक्ट करना, तब मैं खुद ही नहीं सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो लोग 80% प्लस का अटेंडेंस देते हैं, ठीक है। और इतना सपोर्ट करता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो दो शुभम हमारे पास हैं, दोनों ही आपके ओल्ड बैचेस से हैं, ठीक है, पर अभी दोनों कर रहे हैं। पूछ लो, मैं पूरा सपोर्ट इनको कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उन लोगों को पूरा सपोर्ट करता हूँ जो लोग लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, प्लस स्वाभाविक सी बात है अटेंडेंस देते हैं, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कैन यू गाइड अस हाउ टू रन स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी? ठीक, कैसे ओपन करना है? रन करना तो बता दिया मैं, यही प्रोसेस तो यही है, ठीक है। कैसे ओपन करना है इसके बारे में पूछना चाह रहे हो, ठीक है, अगर इसके बारे में पूछ रहे हो तो बताना, ठीक है। अभी असाइनमेंट्स तो नहीं कर सकते हैं चेक, क्योंकि असाइनमेंट्स चेक करने पर टाइम लगेगा। आप लोग दिमाग लगा लिए, ठीक है, मेरे को रास्ता दूसरा दे दिया और फिर आप लोग दूसरे रास्ते निकल गए। क्या करना है अब? आज का अटेंडेंस आप सुनिए, ठीक है। आज का आपका वर्क क्या है? वर्क है कि जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका आपने प्लान बनाया था, सेक्शन एलिवेशन बनाया था, आज आपको उसका 3D बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? आज उसका 3D बनाना है, ठीक है, 3D बनाना है, प्लस लेक्चर नंबर 20 तक कंप्लीट करके कल एक्सेल सीट देना है। थोड़ा काम बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कल लेक्चर नंबर 20 तक कंप्लीट करके उसका एक्सेल सीट भेजना है। एक्सेल सीट देखने के बाद ही मैं आगे चलूंगा, ये फिक्स है, ठीक है, एक्सेल सीट देखने के बाद ही आगे चलना है। चलो मीटर प्लान में डोर का करा, तो क्या डोर का कराना है? मीटर प्लान ले लेना प्लीज डोर का। नहीं समझा क्या बोल रहे कौन? 100% अटेंडेंस रखने की कोशिश रखो, गुड, यही सबसे इम्पोर्टेंट है सर। कॉलेज में क्यों नहीं सिखाते ऐसा, 1 लाख ईयरली फीस लेके? ठीक है, तो पता नहीं, तुम कॉलेज वाले से पूछो। कॉलेज में इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि 1 लाख आप देते हो, ठीक है, वो 1 लाख B2B में चला जाता है, ठीक है, वो 1 लाख उस टीचर को नहीं मिलता है, वो 1 लाख मिलता है किसको है? उस ऑर्गेनाइजर को मिलता है जो कोई विधायक या सांसद होगा, फिर वहाँ से उस टीचर तक उसका मुश्किल से 100 रुपये के आसपास ही जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है, तो जब अभी जैसे कि अभी हम लोग को कोई हायर करेगा तो डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट देगा, तभी तो हायर करेगा ना। अब कोई इनको बोले कि 25-30 हज़ार रुपये ले लो कॉलेज में आ जाओ, तो नहीं जाएंगे ना। तो उस ये मेन सबसे बड़ा रीजन आता है सर। वो प्लान का 3D रेबिट में बनाया है, बनाया चलेगा क्या? नहीं, रेबिट पर नहीं, ऑटो कैड पर देखना है हमको, जस्ट हाथ की सेटिंग देखनी है, ठीक है। मुझे याद दिलाना पवन, थोड़ा माइक ऑन कर लोगे क्या पवन? स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कैसे खोलना है? बहुत आसान तरीका है, ठीक है, ठीक है, ये डिग्री में इंपोर्ट कर दो लगा लो दिमाग लगाना चाहो तो, बट हमें ऑटो कैड में चाहिए। उसका रीजन ये है कि ऑटो कैड की कमांड की प्रैक्टिस हो जाएगी, बस ये उद्देश्य है और कुछ नहीं है, ठीक है। यार पवन थोड़ा ऑन कर लेना माइक को, मुझे सच में नहीं याद है, तो ऑन करोगे तो मुझे समझ आएगा। मुझे याद है कुछ कर रहे थे हम लोग, तो लाइट चली गई थी, पर मैं बीमार हो गया था इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ पवन बोलो। ना वो उस दिन लाइट नहीं चली गई थी, वो डोर का में हाँ बना मीटर प्लान में। हाँ डोर में क्या कर रहे थे मीटर प्लान में हम लोग, कि डोर नहीं बन रहा था? नहीं सर, वो उसमें क्या है, अपने मीटर प्लान में सिर्फ डी दे दिया है। हाँ जब डोर रखने जा रहे हैं ना, हाँ तो बाहर ओरिएंटेशन में वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, वो एक साइड में स्टेयरकेस के साइड में। अच्छा, तो दिक्कत क्या है? उसको मत लगाओ ना, केवल खाली स्पेस दे दो कर। अच्छा तुम सोचो कि स्पेस नहीं था उसमें, इसकी वजह से तुम बोल रहे हो क्या कि मतलब स्पेस नहीं है, लग नहीं पा रहा है ना? तो कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं है। सर एक बार हाँ मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको।
देखो अभी क्या बोलते हैं, तुम्हारी तुम्हारी प्रोजेक्ट में था ना? हाँ हाँ कल सभी लोग अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आएंगे गाइस, ठीक है, कोई धोखा मत देना। हाँ ये बताओ इसमें क्या, ये जो बोल रहे हो कोलैप्स जो हो रहा है? नहीं सर, वो जो जो लग गए वो जो ये वाला स्टेयरकेस के पास है ना, हाँ एक्चुअली क्या है ना, जो मिडल में, मिडिल में एक स्टेयर केस, हाँ ये है करेक्ट, नहीं ये वाला अपना ये वाला साइड वाला, हाँ ये तो हाँ उसका ये और अपना ये जो रूम का है उसके बाजू वाला, वो रूम का वहां लगाएंगे जो, तो ये सारे एक गलत दूसरे है, में। ये सारे गलत है, ठीक है, जितने स्टेयर डोर लगे हुए हैं सब गलत है। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जब कभी भी डोर को लगाते हैं तो मिनिमम आधा फीट का स्पेसिंग आपको छोड़ के लगाना पड़ता है। क्या होता है, आप यहाँ पर कॉलम लगा हुआ है, आप कॉलम को छेद करके तुम लगाओगे गेट, प्रैक्टिकली सोचो। सर ऐसा नहीं, उसमें अपना जो प्लान दिया था ना वो मीटर प्लान, हाँ उसमें सिर्फ स्पेस दे दिया है सो देट कि जो सामने एग्जीक्यूशन करवाएगा उसको पता है कि यहाँ पर स्पेस देके तब छोड़ देंगे, लगा देंगे, ऐसा नहीं समझे? देखो जब कभी भी हमको कट करके दे दिया जाए, सपोज अभी मान लो कि तुम्हारा है यहाँ से कोई, हमें एक पार्ट ले लो रेक्टेंगल बना के, मैंने ये छोड़ दिया और उसके बाद इसको ट्रिम मार देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे स्पेस छोड़ दूंगा केवल एक रेक्टेंगल बना के, तो क्या हो गया, मिनिमम 6 इंच में। अब ये देखो इधर से स्पेस मैं नहीं भी दूंगा 6 इंच, तो जब तुम एग्जीक्यूट करवाओगे तो 6 इंच मिनिमम तुमको छोड़ना पड़ेगा, वैसे नियम है 1 फीट 6 इंच हाँ होना चाहिए। सर वो तो मैं कर लूंगा, पर हाँ अपना जो एक तो प्लान में सर, उसमें प्लान में टच करके दिया है दीवार में। प्लान को मत देखो, प्लान जस्ट एक रेफरेंस के लिए होता है। प्लान हमने क्यों दिया है आपको, क्योंकि तब आप सीख रहे थे ना, तो रेफरेंस के लिए दे दिया कि कुछ ऐसा बनाना है, पर सही आपको खुद से करना है। हाँ वो तो मैं कर लूंगा सर, पर ये जो डोर प्लान में दिया है ना हाँ उसका जो स्टेयर के पास, हाँ हाँ दे रहा हूँ, ये वाला नीचे वाला, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ऊपर ये साइड वाला अच्छा साइड रूम वाला, वाला, हाँ 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 तो एक हाँ वहां रखा है और ये वाला रूम का कहाँ रखने का सर, वो बाहर निकलेगा, उसका भी ओरिएंटेशन अंदर अंदर आएगा कि बाहर आएगा? उसका टेंशन मत रखो, हमेशा ओरिएंटेशन दीवार की तरफ होता है, जब कभी भी दरवाजा खुलता है तो उसको दीवार की तरफ खोलना चाहिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। और इसको तुमको लगाने की जरूरत नहीं है, तुम जस्ट उसमें जैसे प्लान में दिया उसे कट करके छोड़ दो, वो सामने वाला जब एग्जीक्यूट करवाएगा वो समझ लेगा किधर हमको डालना है, समझ पर ऐसा गए? नहीं, नॉल अब मेरे को पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी साइड खुलेगा ऐसा, दीवार के साइड जिधर दीवार है उधर खुलेगा। पर सर ये दीवार की साइड में रखा हाँ तो जो रूम जो दूसरा डोर डालना है मेरे को रूम वाला, उसके हाँ लिए फिर जगह नहीं बचेगी। मैं अभी तुम्हारा क्वेश्चन पूरा एक्चुअली शायद तुम्हें समझा नहीं पाया, फिर मैं समझ नहीं पाया। देखो अभी तुम्हारे पास, अच्छा चलो प्लान ही खोल लेते हैं तब शायद समझ आए कि क्या तुम बोलना चाह रहे हो, क्योंकि अभी ये चीज़ समझ नहीं आया कि तुमने एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो। ये सिविल कैड में मीटर वाला जो प्लान था वही वाला है ना? ऊपर चला गया पेज इलेवन। हाँ इसमें जहाँ जो लिखा है बस वो पॉइंट्स बोलना कि सर यहाँ जो लिखा हुआ ये बता दीजिए। अब हाँ सर ये देखो, वो दो डोर कैसे दिए उन प्लान में एक साइड में? एक इधर दिया हुआ है एक इधर दिया हुआ, राइट, ये जो एक बेडरूम में जो दो डोर दिया है ना, हाँ ये एक्चुअली कैसे होता है ये, हाँ समझ गया समझ गया, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया। ये यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहली बात तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस इसको देना चाहिए क्योंकि अगर इधर से डोर खोलेंगे तो ये तो बंद ही रहेगा ना, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि क्या पता इन्होंने जस्ट डी दे दिया, तो आप खुद समझ जाओ कि थोड़ा सा और आगे हम जाके लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाके आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा। ये तब होगा जब ये जो नीचे वाला डी है ये स्लाइडिंग डोर दे दो, ठीक है। और सर अपना जो 2 इंच का वो गैप देते हैं ना अपना, हाँ है छह ना, इंच डोर छह में इंच का 6 इंच का, डोर में ऑफसेट ऑफसेट लेते हैं ना, हाँ 2 इंच हाँ वाला, हाँ करेक्ट करेक्ट, वो वाला दीवाल की साइड अपने ये जो डी वाला है स्टेयरकेस वाला, वो हाँ दीवाल की साइड रखूंगा तो वहां वो तो अपना उसका मतलब वहां से जा नहीं सकते अंदर, करेक्ट, ये हमेशा तो ऐसे वो रखना चाहिए किस? हमेशा इधर, यही ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ करके, ये देखो एग्जैक्टली इसका पोजीशन ये रहेगा कि 2 इंच जो रहती है वो दीवार के साइड रहेगी, क्योंकि वो फ्रेम की थिकनेस है ना,
वो जो फ्रेम होता है उस फ्रेम की थिकनेस है, तो ये आगे से कट कर दो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसका मतलब है। और सर ये रूम वाला कहाँ रखूंगा मैं, मत थोड़ा रखो बीच में ना रख उसको, दूंगा। मत रखो ना उसको, जब दिख रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है तो मत रखो, नहीं तो मिडिल में रख दो अगर रखना ही है तो। नहीं फिर रूम में जाएंगे कैसे सर, रूम फिर पैक नहीं हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर ओपन रख दो ना, देखो कैसे होता है, जैसे रूम है ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको ये घर के अंदर का ही तो प्लान है ना, तो तुम सिर्फ ओपन स्पेस दे दो खत्म, ठीक है ओपन स्पेस दे सकते हो तुम ऐसे हाँ करके। दरवाजा नहीं देने का था, हाँ ठीक है, कॉमन रूम हो जाएगा। और वो स्पेस भी तो अपना उतना होना चाहिए ना, 1 मीटर जितना, हाँ 1 मीटर से मिनिमम ज्यादा होना चाहिए। एक मीटर भी रहा तो चल जाता है, ठीक है, इतना सोचो मत उसके लिए, इतना पैसा नहीं होते हैं, ये जैसे एक रेफरेंस प्लान था, तो अपने प्लान में फोकस करो कि मैं अपने प्लान में सब सही किया हूं कि नहीं, ठीक है, तुम्हारा प्लान बना है कि नहीं पहले ये बताओ। हेलो, तुम्हारा प्लान बना है और कि सर नहीं, अपना ये नहीं अरे जो पहले कोई पूछ रहा हूं बताओ, तुम्हारा प्लान बना है कि नहीं। मेरा, हाँ ड्रीम प्रोजेक्ट मैं ये सब मैं टाइम ज्यादा मेरा। नहीं, इसको ज्यादा मत सोचो, एक चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है, और बहुत और अच्छा सर ये होता जो दूसरा वाला मैंने देखा था ना, उसमें जो बाहर वाली दीवार है ना, वो 6 इंच की ली थी। है। ओके अब देखो, ये देखो अजय प्रोफेशनल है ऑटोकैड में, ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, डी दे दिया, अब सामने वाला समझदार होगा कि उसको लगा लेगा दरवाजा, इनको लगाने की जरूरत नहीं है, देख लो ये देखो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट दे दिया, मतलब ये खुला रहेगा, आप अपने हिसाब से पर्दा वर्दा यूज कर लीजिए ड्रेसिंग के लिए, ऐसे होता है। नहीं वो तो चेंज कर मैं भी कर लूंगा, पर अपना ऐसा मेरे को लगा वो प्रैक्टिकल प्लान होगा। नहीं वो प्रैक्टिकल प्लान नहीं, अभी जो कर रहे हो ये सब प्रैक्टिकल है, जो अभी प्लान 1 प्लान 2 ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो और जस्ट सर कलर है। प्लान 1 में ये इसमें क्या हुआ था, 6 इंच की बार की दीवार है, हाँ तो क्या तो दिक्कत है, अपना 6 इंच का बार की दीवार चलती है। मैं तुम कहाँ रहते हो? अहमदाबाद में, हाँ इसमें हमारा एक बात, दो ईट की मिलती है ना। अहमदाबाद में जो साइज मिलता है 4.5 का मिलता है और 9 इंचेस का मिलता है, ठीक है, हाँ मतलब हमारे यहाँ 9 इंच वाली दो दो ईटर हाँ लगती है। पुणे में या फिर और भी जगहों पे 6 इंचेस की भी ब्रिक मिलती है, 4.5 की भी मिलती है, 9 की भी मिलती है। मतलब यहाँ एक ईंट की दीवार से बनेगी ना ये जो होगा वो। करेक्ट, एक ईंट से मिलेगा, एक ईंट आती है 6 इंच की, डायरेक्ट ईंट आती है, ठीक है, तो और 6 इंच लेंथ का की भी, साइड रखेंगे नहीं, ये लेंथ लेंथ की साइड ना। हाँ लेंथ साइड रखेंगे ना, लेंथ की साइड ही रखेंगे, 6 इंच की डायरेक्ट वॉल आती है, सो टेंशन नहीं लेना, बस बना देना है उसको, ठीक है, तुम अभी ओके सर, ड्राफ्टिंग वो कर रहे हो तो मैं तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जो मिला हुआ है मेजरमेंट उसी पर हमको छाप देना है, खत्म, ड्राफ्टिंग का मेन काम ही यही है, ठीक है, चलेगा। आलम बोल रहे हैं कि सर प्लान में कॉलम नहीं दिखाया है अजय जी ने, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? नहीं, इन्होंने अभी आर्किटेक्चर प्लान बनाया हुआ है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट के पास जाएगा और वो इस पे कॉलम्स लगाएंगे अपने लोकेशंस को देख के। दूसरी चीज और क्या बोलते हैं, अब मैं थोड़ा सा एक आंसर और दे देता हूँ फिर खत्म करते हैं, क्योंकि 10:30 पे मुझे कहीं और जाना है। हाँ बोल बोलो, कॉलम अपना 150 बाय 150 का ले लेने का ना, 150 बाय 150। 150 का कॉलम नहीं होता है, अभी रुको मैं सिखाऊंगा, 230 मिनिमम साइज होता है, ठीक है, दो डेढ़ सौ सौ तीस मिनिमम 230 बाय 230 सिखाऊंगा, अभी आने वाला है, ओके ओके पर चलेगा, ठीक है, ये ये प्लान के लिए नहीं प्लान के लिए भी 150 का कोई कॉलम नहीं होता है, 230 मिनिमम, ठीक है, 230 बाय ओके। 230 9 इंचेस बाय 9 इंचेस मिनिमम कॉलम साइज होता है। तो सर ये SI यूनिट में अपना SI कोड में ये सब दिया हुआ अपना। अच्छा नहीं मैं सब पढ़ाऊंगा ना, कॉलम का साइज क्या रखना है, ठीक है ठीक है चलेगा, अच्छा। ओके ठीक है। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी कैसे खोल सकते हो, तो उसके पहला स्टेप ये होता है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, मेरी खुद की कंपनी में स्ट्रक्चर्स की कंसल्टेंसी पूरा का पूरा नेटवर्क हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम करना होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास अपना GST नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, GST नंबर, ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं रहता है, पहला काम GST नंबर होना चाहिए। दूसरा काम होना चाहिए MSME में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मिनिस्ट्री में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, तो वही GST नंबर डाल के MSME में आपको रजिस्टर्ड कर देना है अपनी कंपनी को। तीसरा काम होता है SOPEC लाइसेंस बनाना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोग ये बनाने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये ऑफिस खोलने वाले हैं, तो तीसरा स्टेप होता है SOPEC लाइसेंस, ठीक है। चौथा स्टेप होता है कि आपके पास प्लानिंग का लाइसेंस होना चाहिए मिनिमम, प्लानिंग का लाइसेंस मतलब
अगर आप डिग्री हैं तो आप डायरेक्ट कॉरपोरेशन में जाके, जो भी आपके यहाँ का हेड कॉरपोरेशन है वहाँ पर जाके 1500-2000 रुपये लगते हैं, आप लगा के आप फॉर्म भर के 1 महीने के अंदर आपका लाइसेंस आ जाता है, 1 साल के लिए, उसके बाद रिन्यूअल करवा सकते हो, तो आपको अपना लाइसेंस मिल जाएगा। चौथा काम हो गया। पांचवा काम, आपको स्ट्रक्चर्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेम कॉरपोरेशन से मिलेगा। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स में 5 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने डिग्री किया है तो, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस मास्टर डिग्री लगाना पड़ेगा, आप अपना लाइसेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। कुछ कॉरपोरेशन में थोड़े मोटे इंट्रोडक्शन चेक भी होते हैं, चेक मतलब कि इंटरव्यू टाइप के, ठीक है, और उसके बाद उसका भी लाइसेंस आ जाता है। अब आप पूरी तरीके से वैलिड हो अपनी स्ट्रक्चर्स की कंसल्टेंसी को खोलने के लिए। डिप्लोमा वाले स्ट्रक्चर्स की कंसल्टेंसी नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले सिर्फ प्लानिंग तक का लाइसेंस दे सकते हैं। और जो ये प्लानिंग का लाइसेंस है, ये आप 300 मीटर स्क्वायर तक का ही दे सकते हैं। 300 मीटर स्क्वायर ऊपर देना है तो फिर आपको किसी आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, वही अप्रूव करेगा। इससे बड़े बड़े सोसाइटीज़ को आप नहीं बना सकते, 300 मीटर स्क्वायर तक ही बना सकते हैं प्लानिंग के लिए। स्ट्रक्चर्स आप दे सकते हैं चाहे जितना, 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो फिर आपको स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा। इसीलिए बोला कि सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट को क्या है, उसको स्ट्रक्चर ड्राइंग वो अप्रूव नहीं कर सकता है, G+3 के ऊपर है तो स्ट्रक्चर ड्राइंग चाहिए, उसके लिए उसको स्ट्रक्चर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आप 300, कुछ कॉर्पोरेशन 200 ही है, सतना का एक कॉर्पोरेशन उसका 200 शायद है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बाकी जगहों पे 300 है। 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है, आपको आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपने बोला नहीं सर मुझे सारा काम खुद ही करना है, ठीक है, मैं किसी और को पैसा नहीं शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपको एक TP का, टाउन प्लानिंग का एक डिप्लोमा होता है, मास्टर डिग्री बोल सकते हो, 1 साल का होता है। और इंडिया में कुछ ही कॉलेज है, जैसे कि सिम्बोसिस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, तो वहाँ पर आपको TP यानी टाउन प्लानिंग का 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है। उसके बाद एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट का पूरा काम कर सकता है, वो लाइसेंस को अप्रूव कर सकता है, वो 300 नहीं वो 3000 मीटर स्क्वायर का भी प्लान अप्रूव कर सकता है, क्योंकि आप टाउन प्लानर हो गए हो, ठीक है। तो ये होता है इसका टर्म्स। अजय कुछ क्लियर हुआ क्या, और लोगों के क्लियर हो गया क्या, कैसे कंसल्टेंसी खोलना है? पहले आपको GST नंबर, दूसरा आपको MSME, तीसरा सॉपेक लाइसेंस, चौथा प्लानिंग का लाइसेंस, छठा पांचवा आपको स्ट्रक्चर्स का लाइसेंस। ये करने के बाद लास्ट में आप अगर आप प्लान भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप TP का लाइसेंस ले लीजिए, 1 साल का कोर्स रहता है, कर लीजिए, आप TP का भी दे सकते हैं। ओके, राजेश को समझ में आ गया है। हाँ जय, बताइए। हेलो हेलो, हाँ जय सर, इसमें ना जैसे आपने जो बताया कि कंसल्टेंसी का सर्टिफिकेशन वगैरह आप जो भी आपका अथॉरिटी है वहां से ले लीजिए, बड़ी इतना आसान नहीं होता, नहीं होता है। कौन सा बहुत ज्यादा कौन सा वाला आसान नहीं होता है, बताओ। स्ट्रक्चर का भी और आपका जो आप लोकल, आप एज अ ड्राफ्ट्समैन अगर आपको काम करना है लोकल अथॉरिटी से, बहुत आसान नहीं है वो, बहुत कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा, अब बहुत आसान हो गया है, ठीक है। आपको प्लानिंग का लाइसेंस चाहिए, आप आज ही अपने कॉर्पोरेशन में चले जाइए, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी डिग्री का फोटोस्टेट लगाना पड़ेगा। अब बहुत ढेर सारे हमारे आराम से आप, अब पहले क्या होता था, पहले सब ऑफलाइन होता था, अभी मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो गए हैं, डायरेक्ट आप चलान फॉर्म भरिए, ठीक है। मेरा खुद का प्लानिंग का लाइसेंस, मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बट मैंने रिन्यूअल नहीं करवाया तो रद्द हो गया, ठीक है, उसको बट काफी टाइम लगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट निकालने पड़ते हैं, डायरेक्ट बहुत इजीली होता नहीं है। स्ट्रक्चर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट निकालने पड़ते हैं, उसका क्या होता है ना, किसका था तुम्हारा लाइसेंस? सर अभी मेरा एज इंजीनियर है जो यहाँ का लोकल अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें। ओके, ठीक है। अभी कल एक स्टूडेंट को PWD नहीं, मैं कैसे होता है, बिल्डिंग का बहुत आसानी हो गया अभी। अभी कैसे करते हैं, हमारे यूपी में तो एक अच्छा काम कर दिया है, एक LDA, ठीक है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप लाइसेंस बनवा लीजिए, पूरे यूपी में काम करिए आप, ठीक है। अभी नहीं सर, हमारे MDDA है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पे लाइसेंस इंजीनियर का तो हो गया, बट अब एज स्ट्रक्चर के लिए काफी वो है, स्ट्रक्चर्स के लिए टफ होता है उसका, टफ और सर कि वो ना अप्रूव करना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ तो 3 ग्रेड है सर, जैसे आप कह रहे थे 5 साल का एक्सपीरियंस, बट हमारे लिए MTech प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, BTech प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, फिर ग्रेड है, हाँ ग्रेड है, फिर Grade 3, Grade 2, Grade 1, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये कॉर्पोरेशन वाइज चेंज होता है, प्लस अभी जैसे तुम्हारे प्लानिंग में एक फिक्स होगा, या तो 200 मीटर स्क्वायर अलाउ होगा, या फिर कितना तुमको अलाउ है, तुमने बनाया तो ड्राफ्ट्समैन जो है उसके लिए अपना 250 स्क्वायर मीटर है, बट इंजीनियर्स के लिए आर्किटेक्ट सेम है। अच्छा,
वही देखो 250 है ना जो ड्राफ्टमैन है उनके लिए 250 है, और जो डिप्लोमा वाइज है डिप्लोमा वाले हैं उनको ड्राफ्टमैन का भी लाइसेंस बनवाने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है नॉर्मल मैक्सिमम जगहों पे, ठीक है, और यस डिग्री वालों को नहीं दिखाना पड़ता है। स्ट्रक्चर्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, बाकी सारे लाइसेंस आराम से बन जाते हैं। स्ट्रक्चर का टफ होने का रीजन बताता हूँ, क्योंकि वो दिखाना पड़ता है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे थे और इतने इतने दिन तक किए थे, पूरा आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। प्लस अपने इंडिया में थोड़ा बहुत आपको चाहिए भी, पैसे वैसे भी चाहिए होता है, ठीक है, वो लगते ही लगते हैं। आप जब देंगे तो देखो जिसके पास पावर है और पैसा है वो घर पे मंगवा सकता है, इतना सब कुछ है तो होता है, बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रक्चर्स वाले में, प्लानिंग वाला तो बहुत आसान से हो जाता है। और ये जो मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह बोला, आप ऑनलाइन बैठ जाओ 10 मिनट के अंदर ही सारा, नहीं मैंने खुद से किया हुआ अपना पूरा कंपनी रजिस्टर्ड, यूनिक्स भी पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, एमएसएमई भी रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन भी रजिस्टर्ड है, और क्या बोलते हैं जीएसटी भी इसका पूरा का पूरा रजिस्टर्ड है। हमने पूरा रजिस्ट्रेशन खुद से किया हुआ है, जबकि मेरा खुद का सीए है पर मैंने खुद से किया, मैंने कहा सीखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, अभी आज इतने पर विराम रखते हैं, ठीक है, होप आपको मजा आया होगा। और क्या बोलते हैं कल सभी लोग ड्रीम प्रोजेक्ट का 3D जरूर बना के लाएंगे ऑटोकैड में, गलत बना के लाना पर लाना जरूर, और एक्सेल शीट 20 लेक्चर्स तक का जरूर सबमिट करना, ठीक है। अगर कल आपने अच्छे से कर दिया तो परसों से या फिर नर्सों से स्टैट प्रो में एंट्री हो जाएगी, नहीं तो फिर आप परेशान रहोगे, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे।